Association. Okay. We hear from you. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiret Nasta Praeshu Vabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishna Svadamo Pagate Dharma Gyana Dibisaha Kalo Nishtadrishamisha Puranarto Janodataha. So this morning we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Divinity and Divine Service, text number 5. Maharaj, with your permission, can I also translate? Oh, yeah, of course. थैंक यू महाराज. तो महाराज ने बताया कि आज सुबह हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 5 से पढ़ेंगे, जिसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा. मुनाया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर् लोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति मुनया साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर् लोकमंगलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति मुनया साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति Okay, so we'll have the word meaning. Munaya. Munaya. Oh, sages. Oh, maybe you just read the Hindi, Prabhu. Okay, Maharaj. Word by word, Maharaj? Yeah. Munaya, he munio, sadhu, yeh prasangik hai, prishtha pucha gaya, aham, main, bhavdip, aap logo ke dwara, lokah, sansar, mangalam, मंगल कल्याण यदा क्योंकि कृतः बनाया गया कृष्ण श्री भगवान समप्रश्न संगत प्रश्न येन जिससे आत्मा स्वः सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है. Translation and to anuvad Srila Prabhupada ji ke dwara Srila Prabhupada ki chai. Hey munio, aapne mujhse theek hi prashna kiya hai. Aapke prashna prasansaniya hain kyunki unka sambandh Bhagwan Shri Krishna se hai aur is prakar ve vishw kalyan ke liye hain. Aise prashno se hi purn atma tushti ho sakti hai. Okay,
Anubhav. Manaji, you want me to read purport? Yeah. Read one paragraph and then stop. No comment. Okay, Maharaj. So, हम लोग अभी तात्पर्य से पढ़ रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, क्योंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। श्रीमद् भगवत गीता 15.15 15 अध्याय 15 श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न समस्त वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। ॐ अज्ञानतिमरन्धस्या घनञ्जनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितन्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनतन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवदूतं भर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखानितंश्च। हे कृष्ण करण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंठा राधा कंठा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। वंचकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we're hearing from Suta Goswami speaking to the sages in Naimisharanya forest, who've all gathered to perform sacrifice for the oncoming Kali Yuga. महाराज बता रहे हैं कि हम लोग शिला सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं, जो कि नैमिषारण्य में एकत्रित साधुओं को संबोधित कर रहे हैं। So the sages were all concerned. Kali Yuga is coming. It's an age of irreligion. We have to do something. तो ये जो साधु हैं, ये सब बड़े चिंतित हैं कि कली युग जो है वो प्रारंभ हो रहा है और इस ये जो युग है प्रॉब्लम का युग है, इसलिए वो चिंतित हैं। They wanted to know what is really for the ultimate benefit of people. वो साधु ये जानना चाहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं उन सब के लिए सबसे अच्छा क्या होगा इस समय में। And they knew there were so many scriptures. They wanted to know what is the most important part of the scriptures which we need to present to the people. और क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बहुत सारे अनेकों अनेक शास्त्र हैं, लेकिन इन सब में से कौन सा चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण है जो कि लोगों को हमें देना चाहिए। Many scriptures, many different conclusions that they appear contradictory, very difficult to resolve. What is the proper understanding?
तो महाराज बता रहे कि बहुत सारे शास्त्र हैं, उनके अलग अलग निर्णय हैं, काफी सारे मतभेद भी हैं, तो बहुत मुश्किल है ये जान पाना कि क्या लोगों को दिया जाए जो सर्वोत्तम है। So in Mahabharata, there's a famous verse, Tako pratishta shrutayo vibina nisav rishir yasya nitam bininam. Dharmasya tatvam nihitam guhayam mahajano yena From the Mahabharata, we have this wonderful verse saying that tarka pratishta, that dry arguments will never bring any conclusion. महाराज बता रहे कि महाभारत में ये प्रसिद्ध श्लोक है और इस श्लोक से हमें पता चलता है कि जो खाली बेकार का जो वाद विवाद है उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। And Shrutayo Vibina, the Shrutis, the Vedas, they will speak different things also. We become confused because contradictions are there. और जो वेद भी जो है श्रुति जो है वो भी अलग अलग तरह का निर्णय बता रही है जो कि सब लोगों को बहुत कंफ्यूज करने वाला है। Nisav rishir yasya nitam bibinam. And similarly, great sages, they may explain some philosophy and establish one conclusion, and then another sage will come after him and defeat that and establish his conclusion, and it will go on like this continually. इसी तरह से अलग अलग तरह के साधु वो भी अलग अलग मत ले करके अलग अलग सिद्धांत को स्थापित करते हैं और फिर दूसरा साधु आता है वो कहता है कि नहीं ये सिद्धांत जो है उच्चतम है। इसलिए इन सब में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया समझना कि क्या सबसे अच्छा है। Dharmasya tatvam nihitam guhayam. That the real purpose, the real conclusions of the scriptures are known by the great souls. It's hidden in their hearts. जो सभी शास्त्रों का असली निर्णय है, वो जो साधु जानते हैं कि उनके हृदय में छिपा है। Therefore, Mahajano yena gata sapanta. You have to follow in the footsteps of these great devotees. Then they can reveal the truth to you. इसीलिए हमें जो है ऐसे महान भक्तों के चरण कमलों में के आश्रय लेते उनकी बात को पालन करते हुए असली सत्य को हम जान सकते। So the sages in Naimisharanya, they selected Romaharsha and Sutta first of all to speak to them. Cannot hear, huh? Voice is breaking. Hare Krishna. Hare Krishna. Sorry, Maharaj, my network had a problem. I think it is now working. Now it's working? Okay. Yes, Maharaj, sorry. Okay. So Sorry. initially Romaharshan Sutta was speaking, but then he had a problem. Balaram removed him and Sutta Goswami, his son, took his place. तो महाराज बता रहे हैं कि शुरुआत में रोमहर्ष जो है वो बोल रहे थे कथा को, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, बलराम जी ने उनको हटा दिया वहां से और अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। Sutta Goswami had heard Srimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami when Sukadeva Goswami instructed Maharaj Pariksit. सूत गोस्वामी जो है उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से भागवत का श्रवण किया जब उन्होंने महाराज परीक्षित को ये शिक्षा दिया। So he was also qualified, equally qualified, or even more qualified than his father to speak on this Srimad Bhagavatam. तो श्रील सुत गोस्वामी भी जो है वो उतना ही योग्य हैं या फिर अपने पिता से भी ज्यादा योग्य हैं श्रीमद् भागवतम पर बोलने के लिए। So the subject matter of the Srimad Bhagavatam is the absolute truth. तो जो श्रीमद् भागवतम है वो परम सत्य को बताता है। That's stated in the very first verse. Satyam param dimahi, right? At the end of the first verse of the Srimad Bhagavatam. Srila Vyasadeva's introductory verse of Srimad Bhagavatam.
beginning with the Tanmadyasya Yato Navayat, and then ending Satyam Param Dimahi, Param Satyam, the Supreme Truth. This is the subject matter of Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम जो है इसी बात को प्रतिपादित करता है कि परम भगवान कृष्ण जो है वो परम सत्य है और ये श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में जहां पर शिल व्यासदेव उसको भूमिका इंट्रोडक्शन बता रहे श्रीमद् भागवतम का पहले श्लोक में के अंत में ही ये आता भगवान जो है वही परम सत्य है. And the sages of Naimisharanya had put questions in order to help them to understand better the absolute truth. और जो नैमिषारण्य के साधु हैं उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न रखे इस परम सत्य को अच्छे से जानने के लिए. So Suta Goswami is appreciating the quality of the questions of these sages. तो श्रील सुता गोस्वामी जो इन साधुओं के जो प्रश्न हैं उनका गुणगान कर रहे कि वो प्रश्न बहुत अच्छे हैं. As mentioned in Prabhupada's purport, Prabhupada said the qualities the questions of the sages are proper and pure. So, Srila Prabhupada ji yahan pe likhte hain ki jo munigan hain unke jo prashn hain wo ekdam uchit hain aur ekdam shuddh hain. Proper because they relate to Lord Krishna. The sages wanted to hear about Krishna. They wanted to understand more about Lord Krishna. वो इसलिए एकदम उचित प्रश्न है क्योंकि वो जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं. ये जो साधु हैं परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं. This is the real the subject matter of the absolute truth is to not to hear about Lord Sri Krishna who is the personification of the absolute truth. ये जो परम सत्य जो विषय है उसमें उसका जो असली निर्णय है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि खुद परम सत्य हैं उनके बारे में श्रवण करना. So then Srila Prabhupada refers to the famous verse from Bhagavad Gita on the 15th chapter, Yoga Purushottam, verse number 15. Sarvasya chaham hridi sannivisto matak smritir jnanam apohanam cha vidaischa sarveraham eva vidya vedanta krit vedavid eva chaham. Lord Krishna said, I am in the hearts of all living entities, and from me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the author, and I am the compiler of the Vedas. यहाँ पर जो एक प्रमुख श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता 15 श्लोक जो है श्रील प्रभुपाद जी उसको कोट करते हैं जिसमें परम भगवान बोलते हैं कि मैं ही जो है याद करने का भूलने का सभी वेदों का सबका स्त्रोत मैं ही और मैं ही जानने योग्य हूँ. So Prabhupada quotes, like he paraphrases this, he says that from the Vedas there is nothing but the urge for searching after Krishna. Srila Prabhupada ji इसमें आगे समझाते हैं कि सारे वेदों में जितना भी ढूंढे वो उसमें और कुछ नहीं मिलेगा केवल कृष्ण को खोजने का ही जो है वो जिज्ञासा ही जो है वो प्रतिपादित होता है. We should also be developing that urge, searching for Krishna. Where is Krishna? हम सबको भी वो जिज्ञासा जो है उसको अपने जीवन में बनाना है कि कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण. Of course, the Goswamis who were associated with Sri Chaitanya Mahaprabhu, they all cultivated the mood of separation from Krishna, and they were always searching for Krishna. तो जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगत हैं जो गोस्वामी उन्होंने इसी जिज्ञासा को ही जो अपने जीवन में बनाया वो हमेशा जो है विरह भाव में रहे और हमेशा यही चिंतन करते थे कि कहाँ है कृष्ण. In the final verse of Goswami Astikam, Srinivasacharya describes the mood of the Goswamis. He Radhe Braja Devi Ke Chalalite He Nanda Sunokuta Sri Govardhana Kaupapada Patale Kalindi Vani Kuta. Like that, he's describing how the Goswamis were constantly running round Vrindavan. Where are you now, O Lord Krishna? Are you by the banks of the Yamuna? Or are you by the Govardhan Hill? They were always searching for Krishna.
तो यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य जो है वो ये गोस्वामियों के इस मूड को, इस भाव को प्रतिपादित करते हैं कि वो हमेशा जो है कृष्ण को खोज रहे हैं, वो हमेशा वृंदावन में इधर उधर दौड़ते हुए कृष्ण को खोजते हैं कि क्या कृष्णा जमुना जी के तीर पर हैं, क्या कृष्णा गोवर्धन के पास हैं, कृष्ण कहाँ हैं। So in the same way, when we study scriptures, we are also searching for Krishna through the scriptures. इसी प्रकार से जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इन शास्त्रों से हम कृष्ण को खोज रहे हैं। If you study the Vedas are very vast, so many topics. So then you have to really work hard to go through the Vedas to find Krishna. यदि हम वेदों को पढ़ना शुरू करेंगे तो वेद जो है बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, उसमें बहुत सारे विषयों के बारे में बात किया है और बहुत मुश्किल होगा हमें ये ढूंढ पाना कृष्ण को उसमें। From the Brahma Samhita, Lord Brahma is saying, Vedeshu durlabham adurlabham atma bhakto. He said, very difficult to know Krishna from the Vedas, but very easy to find him from the devotees. तो जिस प्रकार श्री ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि वेदों के माध्यम से कृष्ण को ढूंढना बहुत ही कठिन है और ये बहुत आसान हो जाता है जब हम भक्तों के माध्यम से कृष्ण को ढूंढना का प्रयास करते हैं। So searching for Krishna, this is the mood of the devotees and we're searching everywhere. Where is Krishna? When will Krishna come? This is the mood of the devotees. We're thinking. That we're feeling that separation and we're longing for Krishna to come. तो भक्तों का जो भाव है वो हमेशा यही है, वो कृष्ण को खोजते रहते हैं, कृष्ण कहाँ हैं, और हमेशा इस विरह भाव में कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं. So when the sages ask questions about Krishna, it's to help them to come closer to Krishna. And to know more about Krishna, to cultivate their relationship with Krishna. जब ये साधुगण जो है कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न ही जो है वो उनको कृष्ण से के नजदीक ला रहे हैं, कृष्ण के बारे में और जानने और कृष्ण के बारे में और जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं ये प्रश्न. So, the first chapter of the Srimad Bhagavatam, Prabhupada titled it "Questions by the Sages." The sages of Naimisharanya, they put their, I think, five questions to Sutta Goswami, and Sutta Goswami is going to reply to these questions. So, Srimad Bhagavatam ka jo pehla adhyay hai, usko Srila Prabhupada ji muniyon dwara prashna ke naam se bolte hain, aur yahan pe wo panch prashno ka charcha hua hai jo Naimisharanya ke sadhu Sutta Goswami se poochte hain. But before he takes up Before he begins to reply, he first of all wants to congratulate the sages that their questions are very nice. लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले श्रीला सूत गोस्वामी उन साधुओं को धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे हैं. As mentioned in the verse, he said these questions are relevant to the world's welfare. So for the good, these questions which the sages asked are actually beneficial to the whole world. तो जिस प्रकार के यहाँ पे श्लोक में भी आया है कि ये जो प्रश्न हैं ये पूरे समाज के कल्याण के लिए हैं, जो नैमिषारण्य ने जो जो ये साधुओं ने प्रश्न पूछे हैं ये पूरे विश्व कल्याण के लिए हैं. We rarely find that among people when they put questions they're often they're only thinking about their own self, you know, how can I benefit, what can I get, how can I improve for myself. But the sages are selfless, they're thinking about others, they're thinking about the world. तो अधिकांश रूप से देखा जाता है कि जब लोग प्रश्न पूछते हैं वो अपने ही लिए प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं. लेकिन ये जो नैमिषारण्य के साधु हैं, हम देख सकते हैं कि इनके जो प्रश्न हैं वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए हैं. One who is a devotee of Krishna, who is really a saintly person, he's not selfish. He doesn't just think of himself. He thinks about how to benefit others. जो भगवान के भक्त हैं वो
जो है स्वार्थी नहीं होते, वो केवल यही नहीं सोचते कि मेरा कैसे फायदा होगा, वो दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचते हैं। So, we see Lord Chaitanya often quoted the verse about how one who is born in Bharat Varsha is very fortunate and he should make his life perfect. And when he's perfect, then he should think to help others to also become perfect. Srimad Chaitanya Mahaprabhu bahut baar is shlok ko bola karte the ki Bharat Varsh mein jo prakat hue hain log wo bahut saubhagyashali hain aur unka apne jeevan ko jo hai sarvottam lakshya tak pahunchana chahiye aur dusron ko bhi is marg par madad karna chahiye. Paraupakar. Paraupakar means working for the benefit of others. People, it's very rare people think about benefiting others. Paroopkar shabd ka prayog kiya gaya hai. Paroopkar matlab ki dusre logon ke jo laabh ke bare mein sochna, na keval apne laabh ke, dusre sab ke laabh kaise hoga, iske bare mein chintan karna. But these sages are so pure and so compassionate. They have come there to Naimisharanya to do sacrifice and to inquire about how to benefit the world. और ये जो नैमिषारण्य के साधु हैं, ये बहुत शुद्ध हैं। ये दूसरे लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इनका हृदय जो है दूसरों के कल्याण की चिंता करता है और इस तरह से वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। So Sudha Goswami, he's got the task of speaking the Srimad Bhagavatam and he's very happy that these sages have begun with such nice questions. और श्री लसुत गोस्वामी जो कि अब श्रीमद् भागवतम पे बोलने वाले हैं, वो ये इनके प्रश्न सुन के बड़ा प्रसन्न होते हैं और इस तरह से वो श्रीमद् भागवतम शुरू करते हैं। It's the business of the devotee when they meet the saintly person that they should put inquiries, they should question him. तो ये भक्तों का स्वभाव है कि जब वो एक साधु से मिलते हैं तो वो साधु से प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। We see in the Bhagavad Gita, famous verse, chapter 4, verse 34, Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadeshantite jnanam jnaninas tadvadarshana. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul has seen the truth and can impart knowledge unto us. So ye Srimad Bhagavad Gita adhyay 4 shlok sankhya 34 mein tadvidhi pranipaten shlok mein ye hame dekhne ko milta hai ki jahan pe bataya ja raha hai ki param satya ko janne ke liye hame ek jo hai adhyatmik guru ka sharan lena chahiye, unse vinamrata ke sath prashn puchne chahiye, seva karna chahiye aur aise adhyatmavadi guru jo hai wo hame sahi marg dikha sakte hain. So the process of approaching the spiritual teacher or the process of getting transcendental knowledge is described in this verse. तो ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का जो तरीका है वो इस श्लोक में समझाया गया है. We first of all have to fall down without reservation, pranipatena. We submit ourselves. In other words, we come before the saintly person in a humble mood, and we show that humble mood by submission. तो सबसे पहले तो हमें अपना जो एक विनम्र भाव जो है उसको cultivate करना चाहिए कि जब भी हम एक साधु के सामने आए तो बिना किसी शंका के, बिना किसी विचार के हमें उनके सामने उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, उनके सामने जो दंडवत होना चाहिए और इस प्रकार से हम अपने आप को योग्य बनाएंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए. And then we put questions before them. और उसके बाद फिर हम उनसे प्रश्न पूछें. So pranipatena pariprasnena, and then after pariprasnena, then sevaya, then you give service to the devotee. और परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछने के बाद फिर हमें साधु को सेवा भी कुछ अर्पण करना चाहिए. So this is the qualification of the person who is desiring real knowledge, and the qualification of the person who is being approached is also given in this verse. That it is just
upadeshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. That he is tattvadarshi, he knows the truth. Not only does he know the truth, not only has he seen the truth himself, but he can reveal it to others. तो ये जो श्लोक है ये दोनों श्रोता और वक्ता दोनों के योग्यता के बारे में बताता है. पहले श्रोता के वक्ता के बारे में बताता है योग्यता के बारे में कि किस प्रकार से विनम्रता पूर्वक उसको प्रश्न पूछने हैं, सेवा करना इत्यादि. और फिर जो प्रवक्ता है उसकी योग्यता के बारे में भी बताते हैं कि जो प्रवक्ता है वो तत्वदर्शी है. ना केवल वो खुद कृष्ण तत्व को जानता है बल्कि ये जो है दूसरों को भी समझाने में सक्षम है. Some people say, well, I know the truth. But I just can't put it into words. So what is it good? They know the truth, but they can't explain it. They can't reveal it to anyone else. This is no good. तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो सत्य जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें दूसरों को बताना नहीं आता. तो महाराज कह रहे हैं कि वो फिर उसका कोई इतना लाभ नहीं है कि आप दूसरों को बता ही नहीं पा रहे हो. So one who actually knows the truth, not only do they know it, but they can reveal it to others. जो ज्यादा अच्छा बात है कि जो लोग इस सत्य को जानते हैं और वो दूसरों को बताना भी जानते हैं कि क्या है परम सत्य. This is the qualification of Suta Goswami, and we see also our own founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he also had that ability. तो ये शिला सुता गोस्वामी का योग्यता है कि वो सत्य को जानते भी हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं. और यही योग्यता हम देखते हैं कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद जी में हम यही योग्यता देख सकते हैं. That he could take the most elevated subject matters like this Srimad Bhagavatam, which is the fruit of all the Vedas, and he could write it in a manner, give comments on it in a manner which could be understood by people everywhere. From all walk of life. तो ये शिला प्रभुपाद जी का विशेष योग्यता है कि श्रीमद् भागवतम जैसे परम गुह्य ग्रंथ के ऊपर शिला प्रभुपाद जी जो ये जो श्रीमद् भागवतम जो सारे वेदों का पके हुए फल के समान है उस पर शिला प्रभुपाद जी जो है उसको लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं कि सभी तरह के लोग जो है शिला प्रभुपाद जी के परपोर्ट के द्वारा समझ पाते हैं कि क्या है परम सत्य. Some people, they say, yo, we're reading the books of this great sage and we're just trying to understand the meaning. We meet regularly and we read his book and we just try to understand the meaning. In other words, they don't quite know what he's talking about. So, कुछ लोग बोलते हैं कि वो शिला प्रभुपाद जी किताब को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़कर वो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है. दूसरे शब्दों में शायद वो अभी समझ भी नहीं पा रहे कि प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है. But Srila Prabhupada's books are crystal clear. Everything is so meaningful, so clear. Even the most complicated subject matter, he can put it into simple language. क्षमा कीजिए, पहले महाराज बोल रहे थे कि कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि उसने क्या लिखा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की किताबें जो हैं वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हैं. कोई भी व्यक्ति उनको पढ़कर समझ सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या उसमें क्लियरली हमें समझाया है. So, Prabhupad was qualified to answer questions and in his purport to 434 of Bhagavad Gita, Prabhupada describes how the person putting questions should be properly qualified. So, Srila Prabhupada ji jo hai puri tarah se yogya hai aur Srila Prabhupada ji khas taur se jo uttar dete hain prashnon ke uttar dete hain bahut hi saharaniya hai. और यहाँ पर भगवत गीता 4.34 के परपोट में शिला प्रभुपाद जी प्रश्न पूछने वाले की योग्यता के बारे में भी बताते हैं. Some people will put questions in a very challenging manner, which is not pleasant for the speaker. कई बार जो श्रोता हैं वो प्रश्न जो है बड़े चैलेंजिंग तरीके से लिखते हैं पूछते हैं जो कि प्रवक्ता के लिए बहुत खुशी का बात नहीं होता. Just like sometimes they would ask Srila Prabhupada, why do you have to sit on the big seat? Why do you have to have this big seat to sit on? We're all sitting on the floor. So that kind of question is very challenging question.
जैसे कि कई बार लोग जो श्रील प्रभुपाद जी से पूछते थे कि आप इतने बड़े आसन पे क्यों बैठे हैं, आप इतने बड़े आसन पे बैठे हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है, चैलेंजिंग तरह के प्रश्न जो है, ये कोई बहुत अच्छे प्रश्न नहीं है। सो जस्ट एज the speaker has to be qualified, the audience, in order to put proper questions, they also have to be qualified. जिस प्रकार जो है प्रवक्ता उसको पूरी तरह से योग्य होना चाहिए, इसी तरह से श्रोताओं को भी जो है पूरी तरह से योग्य होना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। Some questions are very foolish, very stupid questions. कुछ प्रश्न जो है वो बड़े मूर्खतापूर्ण प्रश्न होते हैं। Just like some people may, that sometimes he asks a stupid question like, can God make a stone so heavy that he cannot lift it? कई बार लोग जो है इस तरह के मूर्खतापूर्वक प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान ऐसा बहुत बड़ा भारी पत्थर बना सकते हैं कि जिसको वो खुद ही ना उठा पाए? Or what came first, the chicken or the egg? You know, these kind of stupid questions. या फिर दूसरा जो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या पहले आया, अंडा आया या मुर्गा मुर्गी आया, ये इस तरह के जो है प्रश्न, मूर्खतापूर्वक प्रश्न लोग कुछ पूछते हैं। So these kind of questions are not in relation to Krishna and they're not pleasing to the speaker. They don't help us to understand the absolute truth. तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कृष्ण से संबंधित नहीं है और ये जो है भक्तों को प्रसन्नता नहीं देते, इससे हमें जो परम सत्य को समझने में कोई मदद नहीं मिलता। We want to understand Lord Krishna, so the questions must be in relation to Krishna and those things in relation to Krishna. तो हम जो है कृष्ण को समझना चाहते हैं, इसलिए जो जिज्ञासा है, जो हमारे प्रश्न है वो उपयुक्त होने चाहिए, वो कृष्ण से संबंधित होने चाहिए, जिससे हमें कृष्ण को जानने को मिले। You can read more the purport, second paragraph. Yes, Maharaj. तो purport से आगे पढ़ते हैं। संपूर्ण संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्न एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्न उत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्न उत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। संसद भी प्रश्नोत्तर में ही लगे रहते हैं और राजनीतिक तथा पत्रकार भी प्रश्नोत्तर में व्यस्त दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो मात्र भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। So Prabhupada, Srila Prabhupada is making a very powerful description here. How everyone is engaged in this business of question and answers. It's going on everywhere. So, Srila Prabhupada ji yahan par purport mein bahut hi shaktishali roop se ye samjha rahe hain ki har koi jo hai is prashn uttar ke chakkar mein laga hua hai. You can hear the birds in the morning. They talk a lot. They're chirping away to each other, make a lot of noise. They have their questions and answers. हम सुबह देख सकते हैं कि सुबह सुबह पक्षी जो है वो बहुत बात करते हैं आपस में, बहुत आवाज करते हैं, एक दूसरे से खूब प्रश्न उत्तर पूछते हैं। And of course, questions and answers go on in colleges and educational institutes and offices and factories, everywhere. Who are you? Why are you here? तो इसी प्रकार जो है प्रश्न उत्तर जो है अलग अलग स्थानों में, अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग ऑफिसेज में, इस तरह से ये प्रश्न चलते रहते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। And you go to market, people are asking, कितना रुपया है, you know, they want to know how much is this, how much is that, and they get the answers. इसी तरह जब बाजार में जाते हैं वहाँ भी लोग खूब सारे प्रश्न पूछते हैं, ये कितना रुपए का है, और दाम भाव तोल करते हैं चीजों का।
Kam sa kam kitne rupya hai? Right? We want the best price. So this question and answers is going on all the time, everywhere. But these questions don't satisfy the soul. तो ये इस तरह के जो प्रश्न हैं वो हर जगह हो रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्तर, लेकिन ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये हमारी आत्मा को संतुष्ट करने वाले नहीं हैं। We have nothing to do with Krishna, therefore we don't get anything, any real satisfaction from these questions and answers. क्योंकि ये प्रश्न जो है इनका भगवान कृष्ण से कोई सम लेना देना नहीं है, इसलिए ये प्रश्न जो है हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं दे पाते. Subject, the people ask everything in relation to the material world and the material body. तो लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो इस भौतिक जगत और इस भौतिक शरीर से ही संबंधित होते हैं. So these questions, their questions and answers in relation to the body, and the material world, they're not going to do anything for the soul. तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं, जो इस शरीर के बारे में हैं या फिर इस भौतिक जगत के बारे में हैं, वो इस आत्मा को कुछ नहीं देने वाला है. We have to come to the spiritual platform and try to understand Krishna. तो हमें जो है आध्यात्मिक धरातल पर स्थापित होना होगा और हमें कृष्ण को समझना होगा. Of course, materialistic people, they don't want to hear about Krishna. They only want to hear about Maya. जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहते, वो केवल माया के बारे में ही सुनना चाहते हैं. People, just like that one person, you know, Gantakarn, Ganta means the bell and Karn means the ear. So Gantakarn, he had bells on his ears. And whenever the devotees would come to speak about Krishna, he would just shake his head so that the bells would ring and he wouldn't have to hear about Krishna. तो महाराज बता रहे, एक उदाहरण है, गंथकर्ण नामक व्यक्ति, वो क्या करता था कि अपने कानों में जो है बड़ी बड़ी घंटियां बांध लेता था, और जब भी कोई व्यक्ति आके कृष्ण के बारे में कुछ बताने लगता था तो जोर जोर से कानों को हिलाता था और घंटियों की आवाज होती थी ताकि वो कृष्ण के बारे में कुछ ना सुन पाए. So, there's a lot of people in the world like that. They don't want to hear about Krishna. They don't want to know anything about Krishna. They're only interested in the body. They're just simply absorbed in the body and the mind and the senses. तो इस प्रकार के कई सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कृष्ण के बारे में बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते. वो केवल इस शरीर के बारे में, इन मन के बारे में और इंद्रियों के बारे में ही सुनना चाहते हैं और यही उनका चिंतन है. So we know topics of Krishna are not for everyone, but they're for those who are interested in awakening their consciousness and coming to the perfectional stage of life. तो जो कृष्ण संबंधित जो विषय हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर इस जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं. So there are different kinds of, just in the forest there are different birds. You know, there are birds like the crow and there are birds like the swan. In the same way there are people like crows and there are people like swans. तो इस तरह जिस तरह से हम देखते हैं कि जंगल में कई तरह के पशु पक्षी हैं, वहां पर कई सारे पक्षी हैं, जैसे कौवे की तरह भी हैं और हंस की तरह भी हैं, इसी तरह कई लोग भी ऐसे हैं जो कौवे की तरह हैं और कई लोग जो हंस की तरह हैं. The crows are always in the garbage and they're very happy there. They think this is their place, this is their holy place in the garbage heap every day. तो जैसे जो कौवे हैं वो हमेशा गंदगी में रहना चाहते हैं और वो गंदगी में रहकर बड़ा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि यही हमारा तीर्थ स्थान है. Right? Srimad Bhagavatam describes tadvayasam tirtam mushanti manasha, like that, the place of pilgrimage for the crows. People who are like crows, they have their topics. They chew and they relish
their mundane topics. तो श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि जो लोग जो है इस कौवे कौवे वृत्ति के हैं, जो कौवे के समान जिनका सोचना है, वो जो है केवल भौतिकवादी विषयों पर चर्चा करते हैं और उसी में ही वो संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. But there are people like swans. People like swan, the swan-like people. The swan is, they're always in the nice clear water with the lotus flowers. And if there's milk and water, the swan can take the milk away from the water. लेकिन कुछ लोग जो है हंस के समान भी होते हैं. वो लोग हमेशा जो है जैसे एक हंस होता है, एक साफ सुथरे पानी में रहता है और आसपास में जो है कमल के फूल हैं और वो दूध और पानी दोनों के मिश्रण से जो है दूध को ग्रहण कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं. So the same way people who are swan-like, they're interested to hear topics of Krishna. They take pleasure in hearing the topics of Krishna. तो इसी प्रकार जो हंस समान जो व्यक्ति हैं, वो हमेशा कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं. वो कृष्ण के विषय में सुनकर बड़े प्रसन्नचित होते हैं. Srimad Bhagavatam describes how there's these two different kinds of literature. There are literature for people like crows and literature for people like swans. तो श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से यहाँ बताते हैं कि दो तरह के ग्रंथ हैं. ग्रंथ उन लोगों के लिए जो कौवे समान हैं और उन लोगों के लिए ग्रंथ भी हैं जो कि हंस के समान हैं. Srila Vyasadeva is being instructed by Narada Muni, and Narada Muni is telling him, Nayadvachas Chitrapadam Harer Yaso Jagat Pavitram Pragniti Karachat Tadvayasam Tirtam Shanti Manasha Nayatra Hamsa Niramanti Usikshaya. That those people who are like crows, they want to relish the subject matters of things, topics which have no relation to Krishna. Although there's no pleasure there in these things, they think there is some pleasure. That's their illusion. So, Srila Narad Muni, jo hai Srila Vyasadeva ko batate hain ki ye jo kauve vritti wale log hain, wo jo hai Krishna katha mein bilkul unka ruchi nahi hai. Wo hamesha jo hai bhautik जगत के विषयों को सुनना चाहते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर उसमें उनको कुछ संतुष्टि मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिकवादी जो विषय हैं उसमें कोई संतुष्टि नहीं है, वो केवल एक भ्रम है. But those literatures which are full of descriptions of the name, fame, form and pastimes of the Supreme Lord, that's a different creation and can bring about a revolution in the impious lives of such misdirected people. तो इसके विपरीत ऐसे ग्रंथ जो कि भगवान के नाम रूप गुण लीला के इत्यादि का वर्णन करते हैं, ऐसे जो ग्रंथ हैं वो लोगों के जीवन में एक रेवोल्यूशन, एक चमत्कार जो है वो लाने के योग्य हैं और ये जो भूले हुए जीव हैं असली रास्ते पर लाने में समर्थ हैं. So these words which glorify the Supreme Lord Krishna, they're heard, sung and accepted by all men who are thoroughly honest. Even though they may be imperfectly composed, they're relished by people who are actually honest. So ऐसे जो श्लोक हैं, ऐसे जो ग्रंथ हैं, ये यद्यपि इसमें कुछ सांस्कृतिक रूप से कुछ ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग नेक हैं, वो लोग इन श्लोकों को सुनके, इन शास्त्रों को सुनके बड़ा आनंदित होते हैं. तद्वत् विप्लवो जनजाग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम् अपदिवच्यपि न मान्यनन्तस्य न शोनिकितानि यत् Shrinvanti Gayanti Krinanti Sadavaha. Right, so people who are sadhus, real sadhus, they're honest people. They will take pleasure to hear about Krishna. But those people who are not sadhus, they're asadhus,
they won't be interested. So Maharaj Bhagavatam se bata rahe ki tadvag visargo janata, to isme bata rahe ki jo log sadhu hain wo log jo imandar log hain wo ye krishna ke vishay mein sunkar bada santushti prapt karte hain, lekin jo asadhu hain jo sadhu nahi hain unko in vishayon mein koi interest nahi hai. So we have to know who to associate with and who to hear from. तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किसका संगति करना है और किससे हमें श्रवण करना है। We see the activities are the same, hearing and chanting, but in one place you're hearing about Krishna and the other side you're hearing about Maya. तो हम देख सकते हैं कि जो गतिविधि है वो वही है, श्रवण और कीर्तन, लेकिन एक स्थान पर हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं अपितु दूसरी जगह पे हम माया के बारे में सुनते हैं. So you have to consider what do you want to hear, from who do you want to associate with. तो हमें ध्यान पूर्वक चिंतन करना होगा कि हम क्या सुनना चाहते हैं और किसके द्वारा सुनना चाहते हैं. We'll read the last paragraph. Yes, Maharaj. तो हम आगे पढ़ते हैं परपोट से. भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं. भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती. भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं, अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा. बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है. अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं. मनुष्यों को श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक या धार्मिक विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोज निकालना चाहिए. श्रीमद् भागवतम तथा भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं का सार हैं. So Krishna, Prabhupada describes how we all have an intimate relationship with Krishna as a friend, as a father. तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार हमारा जो है कृष्ण से घनिष्ठ संबंध है, मित्र के रूप में, पिता के रूप में. Or even lovers, you know, like the gopis in conjugal love with Krishna. We all have some kind of rasa with Krishna. यहाँ तक कि प्रेममयी संबंध जैसे गोपियों का संबंध है, तो हम सबका कुछ ना कुछ कृष्ण से विशेष संबंध है. But we've fallen in, because we forgot Krishna, we fell into this material world. लेकिन क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत के चंगुल में फंस जाते हैं. कृष्ण बलिय जीव अनादिर बाहिर मुखा, राइट? Anadir Bhai Mukha. Since time immemorial, since the beginning of time, we've forgotten Krishna. And instead of looking at Krishna, we're looking at this Bahir Mukha. We're looking at the material world, trying to enjoy the world. तो सनातन काल से ही हम लोग कृष्ण को भूल चुके हैं. हम लोग भूल चुके हैं और कृष्ण को भूलते हुए हम जो है इस भौतिक जगत की तरफ मुंह करके खड़े हैं, कृष्ण की और ना करके भौतिक जगत की ओर मुंह करके खड़े हैं. Everyone and everyone's putting their questions and answers, and they're trying to find their happiness in the material world. तो सब कोई ढेर सारे प्रश्न उत्तर पूछ रहा है और इस भौतिक जगत में अपनी खुशी को खोजने का प्रयास कर रहा है. You can hear the frogs. The frogs are croaking. They're asking the other one frog is asking the other frog questions. तो हम लोग देख सकते हैं मेंढक, तो एक मेंढक जो है टरटरा रहे हैं, एक मेंढक दूसरे मेंढक को कुछ प्रश्न पूछ रहा है. And the dogs, they've got their questions. You go to someone's door, the dog comes barking, woof woof. I am here. Why you come here? This is my place. Go away. तो हम देख सकते हैं कुत्तों को, कुत्ते भी जो है वो कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और जब आप किसी घर में जाते हैं वहां कुत्ता बंधा है,
जोर जोर से भोंकने लगता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा स्थान है, आप यहाँ क्यों आए हो. So there's some satisfactions. Prabhupada explains that we get some temporary pleasure from these things in the material world. तो श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि संतुष्टि जो है इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत की चीजों से जो संतुष्टि है वो बहुत ही क्षणिक है. It's some illusion of pleasure, but it's very short. It's described as chapala sukha, flickering happiness. तो ये जो भौतिक जगत का प्रसन्नता है ये केवल एक भ्रमिक है, ये कुछ ही क्षण के लिए बहुत ही छोटा है, चपल सुख है, कुछ ही क्षण के लिए रहता है और फिर खत्म हो जाता है. All right, this is a material world where we embrace, we get things, we work hard to get something. How long can we enjoy it? Very short time. तो इस भौतिक जगत में कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए ताकि हम इस भौतिक जगत में एंजॉय कर पाए, लेकिन कितने समय तक हम इस जगत में एंजॉय कर सकते हैं. For some time, some pleasure is there, but that pleasure is diminishing as you go on. The more you, the longer you have some, the less pleasure, the less pleasure. Then you want to replace it with something new. तो ये जो भौतिक जगत की चीजों में जो संतुष्टि है, वहाँ पर थोड़ा सा सुख है, लेकिन वो जो सुख है, वो कमती होता जाता है, वो कम होता जाता है, और फिर ये जो हम किसी और चीज से उस सुख को बदलना चाहते हैं, किसी और सुख से. But if we start to, if we try to cultivate pleasure in Krishna consciousness by reading Srimad Bhagavatam and by associating with devotees, then in the beginning it's difficult. It doesn't seem like there's much pleasure there. It's difficult. अभी इसके विपरीत अगर हम जो है कृष्ण भावना भावित भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके वो सुख को अगर हम समझना चाहेंगे तो शुरुआती समय में हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, हमें लगता है कि यहाँ पे सुख कैसे मिलेगा, लेकिन वहाँ पे सुख है. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how happiness is there in the three different modes of nature. श्रीमद् भगवत गीता में परम भगवान कृष्ण जो है तीन गुणों के अंदर जो तीन भौतिक गुण है उसमें जो है सुख को बताते हैं. There's happiness in ignorance, which is really suffering and misery from beginning to end, but people think they're happy. जैसे कि जो है अज्ञानता में खुशी, ignorance में खुशी जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जो है वो दुख है. Just like people, sometimes drug addicts or alcoholics, they're thinking they're happy, they drink, they take drugs, but it's suffering from beginning to end. जैसे कई बार लोग जो है ड्रग्स लेते हैं, शराब इत्यादि पीते हैं और उनको लगता है कि उससे खुश होंगे, लेकिन वो शुरुआत से लेकर अंत तक वो सुख नहीं अपितु दुख ही दुख है. And then happiness in the mode of passion, in the beginning it's like nectar, but quickly it becomes poison. और जो रजोगुण का जो सुख है वो शुरुआत में अमृत के समान लगता है, लेकिन बहुत जल्दी जो है फिर वो हमें जो है विष के समान दिखाई पड़ता है. You often find like this when young man and young woman, they have some kind of a passionate relationship. In the beginning they're very attached to each other, but quickly they start to argue and fight and quarrel. तो इसका उदाहरण देखा जा सकता है कि जब एक युवा पुरुष और स्त्री जो है वो बड़े एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं, बड़ा घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में देखते हैं कि फिर वो लड़ने लगते हैं आपस में एक दूसरे से. But happiness in the mode of goodness, in the beginning it's bitter, it's not so pleasant, but gradually becomes sweet. लेकिन जो सतोगुण का जो सुख है वो शुरुआत में हो सकता है कि हमें कड़वा लगे, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो जो है हमें मीठा लगने लगेगा वो सुख. So what kind of happiness do you want? The best, the real happiness is actually there in the mode of goodness, not the passion and ignorance. तो आप लोग किस प्रकार का सुख चाहते हैं? जो असली सुख है वो सतोगुण में है, वो रजो और तमोगुण में नहीं है. तो आपको कौन सा सुख चाहिए?
So studying Srimad Bhagavatam, hearing about Krishna, is like that. That in the beginning, it's difficult. It's a challenge to us. We have to be patient. We have to be determined. And gradually, we will go on to taste the nectar. तो श्रीमद् भागवतम का जो अध्ययन है वो इसी प्रकार से है, कृष्ण कथा का अध्ययन इसी प्रकार से है कि शुरुआत में हमें थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम उत्साह और धैर्य से लगे रहेंगे तो हमें ये जो है फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा. And Srila Prabhupada comments how Srimad Bhagavatam can actually solve all the problems of the world. तो श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है इस दुनिया की सारे जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है. In 1977, Srila Prabhupada had one Pandal program in Mumbai, and the title of that program was that actually there's no scarcity in the world except for Krishna consciousness. So, Maharaj bata rahe ki 1977 mein Srila Prabhupada ji ne Mumbai mein ek Pandal program kiya tha, aur wo jo Pandal program ka shirshak rakha tha ki is पूरे जगत में किसी प्रकार का कमी नहीं है, केवल आध्यात्मिक ज्ञान का कमी है. So Prabhupada explains this Srimad Bhagavatam is able to solve all of our difficulties, whether they're social or political, whatever problems we have, that if we study the Srimad Bhagavatam, we can get the solution to all of our problems. तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो हर प्रकार के जो कठिन परिस्थिति से हमें बाहर निकाल सकता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, किसी भी प्रकार का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो श्रीमद् भागवतम में. People have to be willing to hear from Srimad Bhagavatam though. They shouldn't want to put their own philosophy and their own political program into operation. We have to hear from Krishna. तो महाराज बता रहे हैं कि लेकिन लोगों को तैयार होना पड़ेगा सुनने के लिए श्रीमद् भागवतम. लोग अगर श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, ये नहीं कि अपना ही कुछ सिद्धांत लगा के चलते रहें, अगर वो श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे, कृष्ण को सुनेंगे, तब उनका परम कल्याण होगा. People may read these scriptures like Srimad Bhagavatam, they think very nice, but then they put the book down and then they go and do just the opposite of what Srimad Bhagavatam was saying. कई बार लोग जो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो कहते हैं बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम उसको बंद करते हैं उसके बाद फिर जीवन में अपने जीवन में वही करते हैं जो उनको करना है. Just like Bhagavad Gita, in Bhagavad Gita Lord Krishna is saying that you whatever you do it as an offering unto me. So one may read that and think, oh yes, very nice, very nice. But then he never does it. He never offers anything to Krishna. जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कुछ करो वो मुझे अर्पित करो, जो भी कुछ, लेकिन और लोग उसको सुनते हैं तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद कभी भगवान को कुछ अर्पित नहीं करते. So we have to not just only read Srimad Bhagavatam, we have to apply it into our life. तो हमें केवल श्रीमद् भागवतम को पढ़ना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में भी उतारना है. In other words, there has to be some change. You study the Srimad Bhagavatam, you shouldn't think you're just going to be the same. There has to be some change comes about. तो ऐसा होना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ें तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद. Just like when the hungry man eats food, then there'll be a change. He will feel relief from hunger. And as he goes on eating, he will feel more and more nourishment and more and gradually he will feel satisfaction. तो जैसे देखा जा सकता है कि अगर कोई बहुत भूखा व्यक्ति जो है वो खाना खाना शुरू करता है, तो जैसे ही वो खाना खाना शुरू करता है तो उसको सबसे पहले जो उसकी भूख है उससे उसको मुक्ति मिलता है, उसके बाद वो जैसे जैसे और खाता है तो फिर उसको बहुत संतुष्टि मिलने लगता है कि हाँ अब मैंने खा लिया. So the same way when we hear Srimad Bhagavatam, there should come about relief from material desires
we should become detached from all thoughts of sense gratification, and we should become attached to Krishna. तो इसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो हमारे हृदय जो है वो भौतिक इच्छाओं के कलमश से वो हमारे हृदय से दूर होने चाहिए. हमें जो है इंद्रिय तृप्ति के भाव जो है हमारे हृदय से कम होने चाहिए जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं. Wherever there is genuine devotion, then Gyan and Vairag must also follow. Gyan means transcendental knowledge, and Vairag means detachment from the material energy. जहाँ पर भी असली जो है भक्ति होता है, वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य जो है, वो उसके पीछे पीछे आते हैं. ज्ञान जो है, वो परम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य भौतिक जगत की इच्छाओं से वैराग्य. Just like the man eating the food, he feels relief from hunger. He's satisfied. He doesn't want to eat anymore. He's had enough. जैसे कि एक व्यक्ति जब भूखा व्यक्ति जो है भोजन कर लेता है, तो उसका जो है भूख शांत हो जाता है. उसके बाद अब उसको और कुछ नहीं चाहिए. वो और नहीं खाना चाहता. And the same way, one who has cultivated Krishna consciousness, he's satisfied. He doesn't want anything of this material world. He's not anxious for profit or adoration or distinction. तो इसी प्रकार जो व्यक्ति जो है कृष्ण भावना में स्थापित है, वो कृष्ण भावना में संतुष्ट है. उसको इस भौतिक जगत से किसी प्रकार का लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, इस प्रकार का कुछ नहीं चाहिए उसे. So in this way, Srimad Bhagavatam is the medicine for all the problems of the world. It's the most important teachings, a very ripened fruit of all the Vedas. It must be heard very carefully, must be studied, and then must be practiced. इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है इस भौतिक जगत के सारे कष्टों का दवाई है, और श्रीमद् भागवतम जो है सारे वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है. इसको जो है बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए. When Srila Prabhupada was lecturing, in the beginning he used to take questions, and he liked it. You know, people in the beginning, some people were quite good, quite intelligent. They had nice questions, and Prabhupada would answer the questions patiently. तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार ऐसे करते थे कि जब लेक्चर देते थे तो पहले लोगों से प्रश्न पूछते थे. कुछ लोग बड़े समझदार होते थे, उनके पास कुछ अच्छे प्रश्न होते थे और प्रभुपाद जी उनको उत्तर देते थे. But gradually, somehow things deteriorated, the quality of the questions deteriorated, Prabhupada became discouraged and he stopped taking questions. लेकिन समय के साथ फिर जो है ये स्थिति ऐसा नहीं रहा. जो प्रश्नों का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं था, और फिर श्रील प्रभुपाद जी इसको देख करके उन्होंने ये प्रश्नों को लेना शुरुआत में बंद किया. एंड ही वुड टेल पीपल दैट, ओह यू हैव क्वेश्चंस, यू आस्क माय डिसिपल्स, दे कैन आंसर फॉर यू. और फिर वो लोगों को कहते थे कि अच्छा आपको प्रश्न है तो आप मेरे शिष्यों से पूछ सकते हैं, वो आपको उत्तर देंगे. बट And sometimes when Prabhupada would ask, are there any questions? And people said no. He said, oh, everybody understands, is it? Everybody, you think, maybe because there are no questions, everything is so clear, so nobody has any questions. तो कई बार, लेकिन कई बार श्रील प्रभुपाद जी जब लेक्चर देते थे उसके बाद लोगों से पूछते थे कि अच्छा आपके पास कोई प्रश्न है, तो जब लोग कोई प्रश्न नहीं पूछते थे तो प्रभुपाद जी बोलते थे अच्छा अच्छा आपने इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लिया, ठीक है, इसलिए अब आप. But some other times Prabhupada would say intelligent people will have questions. लेकिन दूसरे स्थान पे हमने देखा प्रभुपाद जी ने कई बार बोला कि जो लोग बुद्धिजीव हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके पास प्रश्न होंगे. And we know in Bhagavad Gita that one of the four kinds of people who come to surrender to Krishna is the inquisitive person. और हम लोग भगवद गीता में देखते हैं कि चार प्रकार के मनुष्य जो कृष्ण को शरणागत करते हैं उसमें से एक है जो जिज्ञासु है. चतुर्विदा भजन्ति मम ज्ञान सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरताश्रम.
that there are four kinds of pious people who surrender to Krishna. Somebody's in distress, somebody's in in search of wealth, someone's inquisitive, and someone's in search of knowledge. They're all good people because they've come to Krishna. तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि चार प्रकार के जो पायस जीव हैं वो कृष्ण को अप्रोच करते हैं, जिसमें जो लोग दुखी हैं, जो धन चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं. So we're very happy when people come with questions because we have all the answers. We can answer all their questions. इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग कुछ प्रश्न लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं. And Prabhupada used to say, anybody can come to me, I can answer the questions. He said, Krishna will tell me the answer. So everything is known to the devotee of Krishna. But they like to hear about Krishna, therefore they put questions to enrich the subject matter, to make it more pleasurable. लेकिन ये जो लोग हैं ये कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, इसलिए वो और प्रश्न पूछते हैं और जिज्ञासा करते हैं ताकि ये जो चर्चा है ये बहुत सुंदर और बहुत आनंददायक बन जाए. All right, so we will stop here. We'll ask if there's any questions. तो महाराज कहते हैं कि हम यहाँ रुकते हैं अभी और आप लोगों का कोई आप उसको पूछ सकते हैं. तो डिवोटीज जिनके प्रश्न है वो अपना चैट इसमें मीटिंग में हैंड रेज कर सकते हैं और मैं एक एक करके आपको म्यूट अनम्यूट करके करता हूँ, तो आप महाराज से फिर प्रश्न पूछ पाएंगे. तो सबसे पहले डॉक्टर सरयू माता जी प्रश्न पूछना चाहती है, तो माता जी प्लीज अनम्यूट. हरे कृष्णा महाराज, humble obeisances to your lotus feet, Maharaj. Maharaj, one question I wanted to ask, like you said that to be there's a difference between crow and swan. So how can we become like swan in our workplace? Because when we are in our workplaces, people are happy if we do prajalpa and sit with them, chit-chat with them. But if we do our own work, our Krishna consciousness, they feel jealous about us from ourselves, and then they start disturbing us. And as I'm a medical teacher also, so how can I, that's my responsibility to take care of my students also, and how I can give Krishna consciousness to them. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji ka prashna hai ki ye Maharaj aapne bataya ki do tarah ke log hain, कौओ की तरह हैं और हंस की तरह हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, माता जी जो है मेडिकल टीचर हैं, तो कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर लोग जो है प्रजल्पा करना बड़ा अच्छा लगता है. अगर आप उनसे बातें करते रहो उनको बहुत अच्छा लगता है, और अपना कृष्णा भावना कार्य अगर हम करते हैं तो बड़ा ईर्ष्या वो लोग महसूस करते हैं. और साथ में मेरा जिम्मेवारी ये भी है कि उनको बच्चों को शिक्षा देना है, तो क्या सही तरीका है? You know, Srila Prabhupada showed us examples about how to relate to people. He would often meet with people. He liked to go out and talk to people. So I remember one time he was talking to one of the life members. He came to meet Prabhupada in Calcutta. So Prabhupada was asking him, oh, what is your business? Oh, you have a shop. Where's your office? Oh, like that. So Prabhupada was not against this kind of talking, just general talking, just to cultivate the relationship with people. So Maharaj bata rahe hain ki Srila Prabhupada ji bada acha iske liye Prabhupada ji ke udharan se seekh sakte hain ki Prabhupada ji bahut tarah ke logon se milte the aur un sab tarah ke logon se Prabhupada ji bahut acche se baat kar pate the. जैसे एक बार एक जो लाइफ मेंबर है इस्कॉन का, वो आके प्रभुपाद जी से मिले, तो प्रभुपाद जी उससे पूछने लगे, अच्छा आपका बिजनेस कैसा चलता है, आपका ऑफिस कैसा है, क्या कर रहे हो? तो इस प्रकार के उन लोगों से संबंध बनाने के लिए जो जो व्यावहारिक बातचीत है उसको प्रभुपाद जी ने कभी मना नहीं किया. Another time in London, a famous motor racing driver, he was driving Formula One cars, and he came to meet Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada was talking to him about being close to death.
because you drive cars at very high speeds, so you're very close to death. और दूसरी बार देखा हमने कि लंदन एक बहुत तेज कार चलाने वाला जो ड्राइवर था, मोटर रेस वाला फॉर्मूला वन का जो ड्राइवर था, वो प्रभुपाद जी से जब मिला तो प्रभुपाद जी जब उससे बात करने लगे तो प्रभुपाद जी उससे उसको बोलने लगे कि आप मृत्यु के बहुत नजदीक हैं, आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और मृत्यु के बिल्कुल नजदीक चलते हैं. So similarly, you're a doctor, you're teaching medicine, so you're studying a lot about the material body, then you know the nature of the material body. So, इसी तरह से आप डॉक्टर हैं, आप जो है ये मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, आप इस शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, शरीर का जो भौतिक स्वभाव है उसके बारे में बहुत कुछ. You probably have to maybe do work with dead bodies from time to time, or you're working with people who are very near to death. So it's a very good awakening of Krishna consciousness, opportunity to awaken our God consciousness. हो सकता है कि कभी-कभी आपको मृत शरीरों से कुछ उसके बारे में पढ़ना हो, कभी आपको इस भौतिक शरीर के और चीजों मृत्यु के बहुत नजदीकी के बारे में चर्चा करना होता है. बहुत अच्छा मौका है जिससे कि आप जो है ये कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हैं. But we have to know who are the right people to give Krishna consciousness to. लेकिन हमें ये जानना होगा कि वो सही लोग कौन से हैं जिनको कृष्ण कॉन्शियसनेस हम दे सकते हैं. We have to observe and see and listen. How do people talk? How do they act? We can understand more who is going to be more receptive to Krishna consciousness. हमें उन लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक देखना होगा, उनको समझना होगा कि कौन से वो व्यक्ति हैं जो कि कृष्ण भावना मत पाने के लिए जो है वो तैयार हैं. You know, some people are very materialistic and very much in the bodily concept of life and have no regard for religious principles. And so, you know, they're not very good candidates for Krishna consciousness. तो महाराज बता रहे कि कुछ लोग जो है बहुत ही भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, वो केवल शारीरिक ज्ञान में ही इंटरेस्टेड होते हैं, उनको अध्यात्म से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो ऐसे लोग जो है कोई बहुत ज्यादा अच्छे कैंडिडेट नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए. But still, we respect them because they are also part and parcel of Krishna. And so externally, we respect them. Oh, hello, how are you? Nice to see you. Like, you know, just casual way, not that we become intimate with them. लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के भगवान के ही अंग है और इसलिए हम उन लोगों को भी सम्मान देते हैं, उनसे बोलते हैं हेलो आप कैसे हैं क्या है, लेकिन हम उनके साथ बाहरी रूप से संबंध रखते हैं, घनिष्ठता से उनसे संबंध हम लोग नहीं बनाते. Yeah, our intimate exchanges are only with those people who are devotees, who are in Krishna consciousness. और हमारा घनिष्ठ संबंध उन्हीं लोगों से है जो कि भक्त हैं और जो कृष्ण भावना भावित हैं. And dealing with students, again, you know, as a teacher, you have to keep your position as a teacher. You're their authority and you're responsible for educating them in medical science. So you don't want to go astray, go off, go. You don't want to do anything which would disturb the educational institution. The people in the educational institute, if they know that you're teaching some spiritual philosophy or some religion, they may not like it. So you have to be very careful there. So Maharaj बता रहे हैं कि लेकिन क्योंकि आप एक medical teacher हैं, आपका वहाँ पे छात्रों के प्रति और जो संस्था है जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं उसके प्रति एक दायित्व है, इसलिए आपको बड़ा ध्यानपूर्वक ये सब चीजों को देखना पड़ेगा क्योंकि वो लोग जो है किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, वहाँ के जो लोग हैं उनको ऐसा ना लगे कि आप जो है मेडिकल टीचर हैं लेकिन आप केवल कृष्ण भावना में पढ़ा रही हैं, तो बड़ा समझदारी से हमें देखना पड़ेगा. बट दे मे हैव सम यू नो रिलीजियस ग्रुप external recreational activities, they have some, you can have a Bhagavad Gita study group,
You can begin a, you know, just simple reading of the Bhagavad Gita, coming together to read the Bhagavad Gita, and try to organize like that, you know, outside the classroom. तो महाराज बता रहे हैं लेकिन बहुत सारे अच्छे तरीके हो सकते हैं जैसे कि वहाँ पर recreational group हो सकता है या भगवत गीता पर हम सब लोगों को इकट्ठा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं reading कर सकते हैं और ये जो है अपनी क्लास से बाहर क्लास के समय के बाद में आप कुछ इस तरह का रीडिंग का एक कोई ग्रुप बना सकते हैं जिसमें भगवत गीता पे सब लोग मिलकर पढ़ाई करें And you can also arrange to put books like Bhagavad Gita into the library there. There may be also students' library, reading room. You can put our literature in these kind of places. और इसी प्रकार से जो पुस्तकालय है, उसमें पुस्तकालय में आप जो है ये भगवत गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों को वहाँ पे रख सकते हैं. कुछ लोग जो है हो सकता है कि वो इसके लिए पढ़ने के लिए इच्छुक हों, तो पढ़ सकते हैं. And sometimes just leaving literature lying around that anybody can pick it up and read it sometimes helps. और कई बार तो महाराज कह रहे हैं ये भी देखा गया है कि कुछ ग्रंथ को हम कहीं पे भी रख दें बस कहीं पे भी रख दें कोई ना कोई उसको उठाएगा कोई पढ़ेगा तो ऐसा भी कई बार देखा गया है कि वहाँ से भी भक्त बन जाते हैं लोग. But educational authorities should appreciate the importance of cultural activities that students coming to study, they don't just only study, they do need to also get some cultural training. And having some good religious culture will help to make them better medical students. लेकिन इसके साथ ही जो है वहाँ के जो प्रशासन है आध्यात्मिक ये academic जो प्रशासन है उनको ये भी समझना चाहिए कि जो है कल्चर और रिलीजन के साथ में जो लोग इसके आधार पर जो पढ़ेंगे वो लोग ज्यादा अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे तो उनको भी इस चीज को महत्व देना चाहिए. It's not that we want the students to stop studying and just chant Hare Krishna. We want them to continue to be better students, but at the same time we want them to chant Hare Krishna. तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों से ये उम्मीद करते हैं बच्चों से कि वो पढ़ाई छोड़ दें और बस हरे कृष्णा बोले हम चाहते हैं कि वो लोग अच्छे विद्यार्थी बने और साथ में जो है वो हरे कृष्णा चैन भी करें. ओके हरे कृष्णा कृष्णा थैंक यू महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित राजदान प्रभु. हरे कृष्णा महाराज चरण प्रणाम. हरे कृष्णा माय क्वेश्चन इज लाइक देयर आर पीपल हु आर अ बिट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस But still, their priority is that material satisfaction is more important than Krishna consciousness. So, how to actually manage such kind of people in daily life, actually, either in family or in our workplace? तो प्रभुजी का प्रश्न है कि कुछ लोगों को कृष्णा अच्छा तो लगता है लेकिन वो जो है उनको लगता है कि भौतिक उपलब्धियां और भौतिक सुख जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. ऐसे लोग जो है हमारे ऑफिस में भी हो सकते हैं और घर में भी हो सकते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे हम लोग डील करें. Well, just the fact that they're favorable to Krishna consciousness is very good. You know, they may not consider it to be the most important thing. You know, they've got many other things that they consider to be more important. But just the fact that they're favorable and they're not against Krishna consciousness, that's a very good beginning. तो महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है. कम से कम वो लोग जो है कृष्ण भावना मित के प्रति उसका समर्थन करते हैं. वो हो सकता है कि अभी भौतिक चीजें उनको ज्यादा आकर्षित करता हो लेकिन कम से कम ये अच्छी शुरुआत है कि वो कृष्ण भावना मित के प्रति जो है वो सहयोगशील हैं. People do worry about their material lives. They think, oh, if we all become Hare Krishna, if we just chant Hare Krishna, we won't have a job, we won't have any money, how will we live? So they worry like that. तो कई बार जो लोग हैं थोड़ा चिंता करते हैं कि अगर हम हरे कृष्णा करेंगे जब करेंगे तो हमारा नौकरी कैसे होगा हमारा भौतिक अर्निंग कैसे होगा तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि भक्ति के साथ हम कैसे करेंगे. So we have to encourage them that Krishna consciousness is not giving up the material world, but it's making the best use of the material world.
We continue with our life, we continue with our work, we continue with our occupation and careers, but at the same time, we cultivate also Krishna consciousness. तो हमें जो है उनको उत्साहित करना होगा, हमें उनको समझाना होगा कि कृष्णा भावना मित का ये मतलब नहीं है कि इस भौतिक समाज की सब चीजों को हम बंद कर देंगे, अपितु इस भौतिक समाज को और अच्छे से, ये भौतिक जो दुनिया है हमारे आसपास, इसको और अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में, तो हमें ऐसा चीज बता के उनको जो प्रोत्साहित करना होगा. Cultivating good qualities, cultivating good character is important. It's not just only working and making money, but you have to have good character and develop the good nature, become a good person. तो महाराज बता रहे हैं कि अच्छा चरित्र, अच्छा स्वभाव को बनाना, अच्छी qualities को develop करना भी बहुत महत्वपूर्ण है. ये नहीं कि केवल धन ही धन कमाना है हमारा लक्ष्य. People are always concerned about their material life. They want to make money, they want to be famous sometimes, they want position, power. You may get it, you may not. It depends. That depends on our karma. So, लोग जो है कई बार अपने भौतिक जीवन को लेकर बड़ा सीरियस होते हैं. पैसा, पोजीशन, ये सब कैसे बनाया जाए, कैसे भौतिक जीवन में सुखी हो पाए, तो ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये आप उनके कर्म पर भी निर्भर करता है. But Krishna consciousness doesn't depend on karma. Krishna consciousness just simply depends on our own desire, along with the mercy of Krishna, that our attempt to become Krishna conscious can save us from the miseries of all this material world. लेकिन कृष्ण भावना में जो है वो कर्म पर निर्भर नहीं करता, वो हमारे प्रयास और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है, और ये हमें जो है असली सुख दे सकता है. And miseries of the material world are there for everyone. We're all subject to old age and disease and death. Who is not afraid of these things? Everyone is afraid of these things. But if we surrender to Krishna, then we become transcendental. We're not so much worried by these things. तो ये जो भौतिक जगत के जो ताप हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो सबके लिए हैं. कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इस तरह के ये प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन जब हम कृष्ण को समर्पित होते हैं, तो हमें जो शक्ति मिलता है ये सब तापों से इसको सहन करने का. So people have to, you know, people have to develop their faith. They have to get more faith. How can they get that faith? Well, by having association with other people who have faith, that can help them. And they have to also chant more. They have to practice Krishna consciousness more. And that's why gradually they develop more faith. So, Maharaj is telling that लोगों को जो है अपना विश्वास जो है कृष्ण भावना में वो बनाना होगा. और ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ऐसे भक्तों का संग करके जिनको कृष्ण भावना में विश्वास है, उनके संग के द्वारा और ज्यादा अधिक जप करके कृष्ण भावना में अपने जीवन में प्रैक्टिस करके लोग जो है ज्यादा विश्वास कर पाएंगे इस चीज में. We have to understand there are devotees on all different levels. Now some people have very weak faith. Okay. But they're devotees. So give them more time, let them have more association. Gradually, they can also become better devotees. महाराज बता रहे हैं कि भक्तों की सभा में भी कुछ लोग जो है उनका जो विश्वास है वो बहुत थोड़ा सा कमजोर होता है, और लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कुछ समय के साथ, कुछ थोड़े समय में, कुछ और समय और ऐसे विश्वासनीय भक्तों का संग करके वो अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं. So we have to be a little patient with these kind of people, you know, you have to understand not everybody's ready to fully take up Krishna consciousness. Give them time and just be happy with them that they're favorable. So
ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें थोड़ा धैर्य बरतना होगा। जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही स्तर पर कृष्ण भावनामृत को अपना लें, कम से कम हमें खुश होना पड़ेगा कि वो ठीक है, कम से कम वो इसके लिए हमें मना तो नहीं कर रहे, फेवरेबल है, इसी में ही हमें खुश होना पड़ेगा और धैर्य रखना होगा। But if we put pressure on them, then that really upsets people. You start, you know, complaining, and you know you're not satisfied with them. You want to push them more and more. Then that can make difficulties. लेकिन अगर आप उनके ऊपर जो है प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे कि जबरदस्ती करो और आप उनसे जो है असंतुष्टि का व्यवहार दिखाओगे, बहुत जबरदस्ती करोगे, तो इससे वो लोग बहुत दुखी हो जाएंगे। इसका कोई लाभ नहीं। So be careful how you deal with these people. इसलिए आपको सावधान होना होगा कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह से आप व्यवहार करें। Be thankful that they're favorable and they're, although they're not practicing fully themselves, that somehow they have a good attitude to Krishna consciousness, although their faith is not very strong. तो उनके प्रति जो है धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हालांकि उनका विश्वास उतना प्रगाढ़ नहीं है कृष्ण भावनामृत में, लेकिन कम से कम वो फेवरेबल हैं, वो तंग नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट वो उनका जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, वो कृष्ण भावनामृत के प्रति फेवरेबल है, इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। एंड महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय प्रिया माता जी। प्रिया माता जी, प्लीज अनम्यूट एंड से। हरे कृष्ण गुरु महाराज। हरे कृष्ण। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस एट योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। गुरु महाराज, आई जस्ट वांटेड टू आस्क लाइक हाउ कैन आई बी मोर सीरियस इन माय डिवोशनल सर्विस। Like it's been 4-5 months I have been in Krishna conscious, and I'm chanting my rounds, I'm reading Bhagavad Gita, I'm reading Bhagavatam, but I can't feel that attachment or a zeal, as you say, like yes, I have to do this, and keeping all those things aside, because still the material world, my relatives, my attachments, my family, they attract me so much that I keep Krishna consciousness as a second priority. So how could I keep it as my first priority, and to be more and more serious in Krishna consciousness, so that in this birth only I am able to achieve the final destination. माता जी का प्रश्न है कि मैं कृष्ण भावनामृत में कैसे और प्रगाढ़ता से इसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मुझे 4-5 महीने हुए हैं कृष्ण भक्ति में आए हुए, मैं अपनी माला करती हूँ, भगवत गीता पढ़ती हूँ, भागवतम पढ़ती हूँ, लेकिन जो संबंधियों से, रिश्तेदारों से, अपने परिवारजनों से मेरा जो जो अटैचमेंट है वो बना ही हुआ है, और कृष्ण भावनामृत जो है दूसरी प्रायोरिटी पर आता है, पहला भौतिक जगत के ये संबंध प्रायोरिटी लेते हैं, तो मैं कैसे सीरियस हूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में, महाराज बताइए प्लीज। Well, you're in Krishna consciousness only 4 or 5 months. It's not a very long time. You have to be more patient. It's going to take time to develop your attachment to Krishna. तो आप अभी कृष्ण भावना में इतने 4-5 महीनों से हैं, ये कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी कम ही समय हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और समय के साथ आप जो है अपना कृष्ण के प्रति जो है उसको डेवलप कर पाएंगे। And I think if your family and your relatives and friends, if they see that you're more devoted to Krishna than to them, then you're going to have problems with all these people. और जहां तक आपके परिवार जनों का बात है, अगर आपके परिवार वाले देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा कृष्ण भावनामृत हो गई हो, उनको उनसे ज्यादा जो है कृष्ण को महत्व दे रही हो, तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। So Srila Prabhupada described how we could adjust ourselves in this situation. He said, he gave an example. He said, just like a woman may have a secret lover, she's a married woman and she has a family, but somehow she's developed a relationship with this other man. So she's very careful not to let her husband know. तो महाराज बता रहे कि श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, एक विवाहित स्त्री का, जिसके जीवन में एक कोई दूसरा पर पुरुष भी है,
और वो उस पर पुरुष से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए वो विवाहित स्त्री जो है बहुत ध्यान से अपने घर का सारा काम करती है, बड़ा ध्यान से सब कुछ करती है ताकि किसी उनके पति को बिल्कुल भी शंका ना हो कि उनके जीवन में कुछ और भी है। So she would do all of her duties very carefully. She would keep the house very clean. She would cook everything that her husband liked the most. And she would be very careful to speak nicely with her husband because she didn't want her husband to know that she's having this relationship with another man. तो वो जो स्त्री है वो अपनी जिम्मेवारियों को बड़ा ध्यानपूर्वक निभाती हैं, घर को बड़ा साफ रखती हैं, पति को जो अच्छा लगता है वही खाने के लिए बनाती हैं, और जो है उनसे मीठे शब्दों में बात करती हैं ताकि किसी प्रकार भी उस पति को पता ना चले कि उसके जीवन में कोई और पर पुरुष है। So in the same way, you should keep Krishna in your heart. Krishna is this man who you're having this relationship with, and you keep him in your heart. And in this way, you should make extra efforts to become a better wife and to be very friendly with your relatives and friends and be very cordial and sociable with them. But at the same time, you're thinking about Krishna in your heart. महत्व बता रहे हैं कि वो जो पुरुष है, ऐसा पुरुष हमारे जीवन में वो है कृष्ण, तो ऐसे कृष्ण को अपने हृदय में रखना है और बाकी सब संबंधियों के साथ ऐसे जितना जैसा अभी व्यवहार कर रहे हैं उससे भी अच्छा व्यवहार करना है आपको, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छा माँ, ये सारे जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उसको निभाते हुए बहुत ही उनके साथ मिलजुल कर रहते हुए हंसी खुशी और ये जो है कृष्ण को अपने हृदय में सिंचन करना है और उसको हृदय में बना के रखना है। You think like this, you just to go on with your life. Your life's not changed, everything is there. The only thing is you're more conscious of Krishna, and your Krishna consciousness is there within you. Krishna's in your heart as a person, and you're also there with him, and you have a relationship with him, but don't let everybody know. महाराज बता रहे हैं कि जीवन में जो सारी चीजें हैं जैसे चल रहा था उसको वैसे ही चलने दीजिए और अपने हृदय में जो है कृष्ण को आप लाइए और ये जो है कृष्ण का आपका कृष्ण से जो है घनिष्ठ संबंध बनता जाएगा, लेकिन ये सब लोगों को पता मत चलने दीजिए, अपने बाहरी जिम्मेवारियों को वैसे ही निभाते रहिए जैसे आप पहले निभाते थे। जस्ट यू बी हैप्पी टू बी विद कृष्ण privately, you have a special relationship with Krishna, but at the same time you don't want to give up your family, you don't want to lose your friends and everyone, you want to keep them, they're also very dear to you and they're also part of Krishna, you have to see Krishna in them. So Maharaj bata rahe hain ki aapko kisi ko chhodne ka zarurat nahi hai kyunki jo aapke sambandhi hain, mitra hain, wo bhi jo hai क्योंकि सब कोई सब जीव जो है कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, इसलिए वो भी कृष्ण के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, आप उनको उस संबंध में प्रेम कर सकते हैं, आपको उनसे छोड़ उन खुशी से रहिए, आप खुशी से कृष्ण भावना में का प्रचार करिए उन सबको साथ में लेते हुए। So the devotee sees Krishna everywhere, in everyone, in everything. And so you think also like that about your family and friends, they're also parts and parcels of Krishna. And keep nice relationships with them. जो एक भक्त है वो सर्वत्र कृष्ण को देखता है, हर एक जगह पे, हर एक व्यक्ति में, इस तरह से आप अपने जो संबंधी हैं उनको कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल समझते हुए आप जो है उनको उनको उसी दृष्टि से देखिए, उनमें कृष्ण को देखिए और कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में स्मरण कीजिए। And you like them even more. The more you think of Krishna, the more you have affection and you have appreciation for all of these people. जितना ज्यादा आप कृष्ण के बारे में सोचेंगे उतना ही के संबंधियों से जो है आपका और ज्यादा आप उनको प्रेम पूर्वक देख पाएंगे उन लोगों की तरफ। Because the person we love more than anyone is Krishna. We love your family, you love your family, you love your friend, but you love Krishna even more than all of them. लेकिन जो क्योंकि जो व्यक्ति है जिसको हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं वो कृष्ण है। आप अपने परिवार से, संबंधियों से प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम जो है एक जीव का जो है कृष्ण से है। So Krishna, thinking of Krishna like this, this will help you to become more conscious of Krishna.
हर समय से कृष्ण के बारे में चिंतन करना जो है वो आपको मदद करेगा और ज्यादा कृष्ण भावना होने के लिए. हरे कृष्णा. थैंक यू महाराज. एंड महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय गोलोक वासिनी. हरे कृष्णा महाराज. हरे कृष्ण. प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑब्लिगेशंस महाराज. महाराज माय क्वेश्चन इज दैट लाइक वी सी सम डिवोटीज दे जॉइन फुली एंड सर्व इस्कॉन फुल टाइम एंड बट सम डिवोटीज फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ देयर लाइफ दे आर इवन दे वांट टू सर्व फुली बट somehow or other they are not that much fortunate or they are engaged in outside job or material world. So Maharaj, is the destination for both the devotees will be like it will delay the destination for those who are not able to serve full time? So inka prashna hai ki हम देखते हैं कि इस इस्कॉन संस्था में कृष्ण भावना में आंदोलन में कई लोग जो है पूरी तरह अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं. वो फुल टाइम से सर्वेंट बन जाते हैं भगवान के. लेकिन दूसरे कुछ व्यक्ति इतने सौभाग्यशाली शायद नहीं होते. वो देखते हैं कि जीवन के अधिकांश लंबे समय तक वो बाहर भौतिक जगत का नौकरी इत्यादि करते रहते हैं. हालांकि उनका इच्छा होता है भगवान का सेवा करने का. तो इन दोनों का अलग ये दोनों तरह के लोगों का अलग अलग Well, Srila Prabhupada said when he was a young man, when he was a family man, up until he retired, he never lived in the temple. He lived with his family. So, Srila Prabhupada ji batate hain ki jab tak wo retire hone se pehle Srila Prabhupada ji batate hain ki hamesha main apne parivar ke saath raha. Prabhupada was with his family up until he was about 60 years of age, I think. Prabhupada ji jo hai apne parivar janon ke saath rahe jab tak ki wo 60 saal ke nahi ho gaye. So there's certainly doesn't mean that you cannot advance just because you're not living in the temple. तो ये तो निर्धारित है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि आप मंदिर में नहीं रह रहे हो तो आप जो है कृष्ण भावना में इतने आगे प्रगति नहीं कर सकते. Definitely you live in the temple, it's a good fortune, very fortunate, because in the temple then you it's much easier to take part in all the activities and the devotional life. Everything is there, the class, the kirtan, the deities, it's all going on, everything is organized. So it's easy to be Krishna conscious. ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति को ये मंदिर में रहने का सौभाग्य मिलता है तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर हर समय कृष्ण भावनामृत का माहौल है, क्लास होता है, कीर्तन होता है, भगवान के शिव विग्रह हैं, तो बहुत स्वाभाविक है वहां पर कृष्ण भावनामृत ज्यादा रहना. But some people that are living in the temple and they don't go to RT, they don't go to class, or they don't chant the rounds proper. Although they're living in the temple, they don't take advantage. लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो कि मंदिर में तो रहते हैं लेकिन वो आरती में नहीं आते, प्रोग्राम में नहीं आते, ध्यान अपना जप नहीं करते, क्लासेस में नहीं आते. तो रहते तो मंदिर में लेकिन अच्छे से भक्ति नहीं करते हैं. But some is living at home and they cook and they offer their food, they have their deity or they have an altar at home and they will cook and offer their food and they will read the scriptures at home and they will do their chanting, they'll wake up early as well, they'll do all the things like that. And so that somebody may be living at home, their sadhana may be better than somebody who's living in the temple. तो दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों को भी देखा गया है जो मंदिर में नहीं रहते, अपने घर पे रहते हैं, लेकिन अपने घर पे रह के भगवान के लिए भोग लगाते हैं, भगवान का आरती करते हैं, वहाँ पे अच्छे से श्रवण करते हैं, जप करते हैं. तो ये व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति जो मंदिर में रह रहे हैं उनसे भी अच्छे तरीके से कृष्ण भावना में हो सकता है कि वो प्रैक्टिस कर. Yeah, we see nowadays, you know, in the beginning when our movement began in Prabhupada's time, we were all very young and everyone lived in the temple. But nowadays, you know, most people don't live in the temple. Most of the devotees live outside. तो महाराज कह रहे हैं कि इस कृष्ण भावना वाली दिनों में जो है जो हम लोग बहुत नए थे तो उस समय ज्यादातर सब लोग मंदिर में रहते थे. लेकिन अभी जो है दूसरा स्थिति है, अभी ज्यादातर लोग जो है अपने घरों में रहते हैं. And Prabhupada understood
You know, a lot of people not going to always live in the temple their whole life. They're going to get married, they're going to have a home and children. They're not going to live in the temple all their life. Srila Prabhupada ji is baat ko bahut acche se jante the ki bahut sare log hamesha jo mandir mein nahi rahenge unko jo apna parivar hoga wo vivah karenge unke bacche honge aur jo hai us tarah se wo krishna bhavna mein itme rahenge sab koi mandir mein rahenge. But you live at home, you have to do the program just like what we do in the temple. You have to have some program, you have to read and chant, you have to worship Tulsi. लेकिन जब आप घर पे रहते हैं तो आपको वैसा ही प्रोग्राम आप अपने घर पे रख सकते हैं जैसे कि मंदिर में होता है. आप पढ़ सकते हैं, जप कर सकते हैं, तुलसी महारानी का सेवा कर सकते हैं. कुछ प्रोग्राम होना चाहिए. That way you can be a better devotee than the devotee living in the temple. It doesn't mean because you live in the temple you're better than people who are not living in the temple. तो इस तरह से आप मंदिर में रहने वाले भक्त से भी ज्यादा अच्छे तरीके से कृष्ण भक्ति को कर सकते हैं घर पे रहते हुए भी. ऐसा नहीं है कि केवल जो मंदिर में वही ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज. विकास प्रभु वांट टू टेक. यस प्रभु. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज. महाराज माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन हु इज डिलीजियस but is not chanting and a person who is not religious and they are performing his material, they are performing his material duties. Means I am asking this question because sometimes when we associate with our some of them who are only studying and when we associate with those, we sometimes inclined more for the material aim and goal and ambitions. So how to deal with that? And sometimes this question came in our mind, I am religious little bit, I am faith in the God, but what is the need to giving too much time in this devotional service? We can just follow the principles and we can study more and more, we can faith in the God, and such type of question came in our mind, and that is not good for us. So how to deal with that? प्रश्न है कि हम देखते हैं कि कई तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास. कई लोग होते हैं जो धार्मिक होते हैं लेकिन और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत धार्मिक होते हैं और ज्यादा समय सारा अपना पढ़ाई अपने धन कमाने पर और जॉब. और हम भी जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमारा मन भी बदलने लगता है. हमारा मन भी कहता है कि इतना भक्ति करने का क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत धार्मिक हो जाओ वही अच्छा है और ज्यादा समय जो है अपना ये पढ़ाई करो ये सब करो. तो ऐसा ये मुझे पता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? So you believe in God? That's nice. You say somebody is religious, they have some faith in God, believe in God, but they don't chant, they don't do anything. They just say, I believe in God. But they don't show their faith, they don't show any love or devotion to God. So, that's not very good. It's not very helpful. One who actually say they believe in God, we should want to actually do something. We want to give service to God. We have a obligation, a duty to serve God. तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ लोग जो धार्मिक होते हैं और वो कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं लेकिन वो जप नहीं करते, वो भगवान वो किसी भी तरह का अध्ययन नहीं करते. तो ये कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है क्योंकि एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ जो भगवान ने विधि दिया है उसको किसी का पालन नहीं करते. तो ये कोई बहुत अच्छे लोगों का श्रेणी नहीं है. We are taking so many benefits from God. He's providing everything for us. Everything in this world is provided by the grace of God. We should recognize Him as a proprietor, and we should understand our duty, our obligation to do service for Him, to repay Him for what He has given us. तो महाराज कह रहे हैं कि हमें भगवान से इतनी सारी सुविधाएं हम लोग ले रहे हैं. भगवान हमें हर प्रकार की सुविधा देके हमारे इस जीवन को चलाते हैं. तो ये स्वाभाविक है कि हमें भगवान के प्रति जो है हमारा जो ड्यूटी बनता है उसको हमें करना चाहिए. हमारा जो कृतज्ञता है उसको जाहिर करना चाहिए. सब कुछ भगवान से हम लेते हैं लेकिन भगवान को हम नहीं देते हैं.
तो ये कोई अच्छा नहीं है. Of course, what can we do for God? Well, that begins in with chanting His holy name. The recitation of the Maha Mantra is actually service to God, and it's very pleasing to God. तो हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? तो अगर हमें ये जानना है कि भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो उसमें सबसे पहला चीज है जो भगवान के दिव्य नामों का जप. ये भगवान के दिव्य नामों का जब भगवान को बहुत एक भक्ति है और ये भगवान को बहुत संतुष्टि देता है. Lord Krishna himself told to Uddhava, he said, I am not in Vaikuntha and I am not in the hearts of the yogis who meditate on me, but I am wherever my devotees like Narada are chanting my holy name. तो भगवान स्वयं जो है उद्धव जी को बताते हैं कि मैं जो है वैकुंठ जगत में नहीं हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में हूँ. मैं वहां पर हूँ जहाँ पर मेरे भक्त, जैसे कि श्रीमान नारद मुनि, वो जहाँ पर भक्तों के संग में मेरे दिव्य गुणों का चर्चा कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर मैं हूँ, मेरे जहाँ नाम की चर्चा कर रहे हैं. So it's not enough just to say I believe in God, I'm a religious person. You have to show you're religious. You have to do something. You have to do religious activities. Just like if you're a religious person, then you don't just only be a vegetarian. That's not enough. You have to offer the food to God. You have to eat prasadam. तो महाराज कह रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हो असली में कि धार्मिक हैं, तो फिर ये नहीं कि केवल बोल दिया कि हम भगवान को मानते हैं. जैसे भगवान के निर्देश के हिसाब से, शास्त्रों के निर्देश के हिसाब से, अपने जीवन में कुछ एक्टिविटी भी वैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि केवल हम शाकाहारी हो जाएं. शाकाहारी नहीं, हमें शाकाहारी भी होना चाहिए, साथ में भगवान को जो है भोग लगाना चाहिए. तो ऐसे एक्टिविटी में भी आना चाहिए हमारा विश्वास. Somebody said, oh, I believe in God. And they say, which God? They say, all the gods. I believe all the gods. They don't know who is the supreme God. कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, तो उनसे पूछो कि कौन से भगवान में विश्वास करते हैं, तो बोले सभी भगवानों में, सारे भगवान है. उनको ये भी पता नहीं है कि परम भगवान कौन है. And do they ever read scriptures? No, never read scriptures. Do you chant any prayers? No, never chant any prayers. Oh, what kind of religious person is this? उनसे पूछो कि आप क्या कभी कोई किताब पढ़ते हो, आध्यात्मिक किताब? बोले नहीं नहीं, हम नहीं पढ़ते. क्या आप कभी कोई प्रेयर्स करते हो? क्या नहीं करते. कभी कोई और भक्ति की एक्टिविटी करते हो? नहीं करते. तो किस प्रकार के वो धार्मिक लोग हैं? We have to read the scriptures regularly. We have to hear from God. We have to hear what He has to say. हमें जो नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए. ये शास्त्र जो भगवान की वाणी है, और हम जब इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान हमें क्या संदेश देते हैं. We have to respect the Supreme Lord. हमें जो है परम भगवान को आदर देना चाहिए. And that means you have to chant. Sometimes we should chant daily prayers, offer our prayers of love and devotion to the Lord. तो इसका मतलब है कि हमें भगवान के दिव्य नामों का जप करना चाहिए. रोज दिन हमें भगवान को कुछ प्रेममयी प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए. Often people don't know any prayers. They don't know how to pray to God. They never recited any prayers or any mantras. ज्यादातर बार तो लोगों को कुछ भगवान को क्या प्रार्थना करना है वो पता ही नहीं होता है. उनके उनको कुछ पता ही नहीं कि किस तरह से भगवान से प्रार्थना किया जाता है. उनको कोई प्रेयर्स, कोई मंत्र आते ही नहीं है. They know cinema songs, but they don't know any devotional songs. लोगों को फिल्मी जो है गाने तो आते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक भजन नहीं आते हैं. They have time to watch Bollywood movies, but no time to go to temple to see the deity. उनको जो है मूवी देखने के लिए, जो है चलचित्र देखने के लिए समय है, लेकिन भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदिर जाने का समय नहीं है उनके पास. And if they do go to the temple, they will say, oh, who is this deity? Which deity is this? They don't know. They cannot recognize one deity from another. और अगर वो कभी मंदिर जाते भी हैं, तो वो पूछते हैं, ये कौन से भगवान हैं? कौन है ये? उनको एक विग्रह और दूसरे विग्रह के अंदर पता भी नहीं चलता उन लोगों को. So spiritual education is very important. People need to get some spiritual education. They have to really understand who is God, how to recognize the Lord, how to serve Him.
ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसका होना बहुत जरूरी है. अभी लोगों के पास ये आध्यात्मिक ज्ञान का गहरा अभाव है. कौन भगवान है, भगवान का कैसे सेवा करना है, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान होना लोगों के पास जरूरी है. So it's not enough just to say, I'm religious, I believe in God. That's good, that's the start. That now you have to go on and find out who is God and how to serve Him. तो शुरुआत करने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब आपको आगे ये सोचना चाहिए कि कौन है वो भगवान, कैसे मैं उनका सेवा करूं, फिर हमारा ये चिंतन होना चाहिए. Okay. Is that all right? Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. And Maharaj, next question by Vishwajit Prabhu. Yeah. Please unmute. Vinay Prabhu, you want to ask a question? Please unmute. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, just I want to ask that from last since months, I am developing the tendency of fault finding in devotees. That's why my devotion is very, very poor. So just I want to know how I can reduce, I can overcome these tendency. Guru Maharaj, please tell. So, Maharaj, se prashna hai ki. मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से मेरा जो है भक्तों के बीच, भक्तों में दोष देखने का जो प्रवृत्ति है वो बड़ा बढ़ता जा रहा है. मैं सभी में दोष देखता हूँ जिसके कारण मेरा भक्ति नीचे जाता जा रहा है. इसलिए महाराज क्या करूँ, मैं कैसे भक्तों में दोष ना देखूँ, ऐसा कैसे बन पाऊँ? Well, we have to start seeing the good in people. We have to start glorifying them instead of fault finding them. Say something good about them. महाराज कह रहे कि उनमें गलतियां देखने के लिए हमें लोग गलतियां देखने की अपेक्षा हमें लोगों में जो अच्छा ही देखना चाहिए, उसमें से कुछ अच्छा ढूंढो उनमें. And instead of finding fault with others, find faults with yourself and criticize yourself and praise others. और दूसरों में जो कमियां देखने की बजाय अपने अंदर कमियां देखिए, दूसरों में दोषारोपण करने की बजाय अपने अंदर दोष देखते हुए अपने आप को जो है बताइए कि आपके अंदर इतने दोष हैं. This way you get over all the fault finding. इस तरह से आप जो है दूसरों में जो दोष देखने की प्रवृत्ति है उससे बाहर निकल पाएंगे. So it's a very good habit to glorify the devotees, speak something nice in praise of the devotees. बहुत ही एक अच्छा आदत है कि हमें भक्तों के गुणों को देखते हुए उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए, उनके गुणों के बारे में वर्णन करना चाहिए. ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू. एंड महाराज, कैन जस्ट वन और टू मोर क्वेश्चंस कैन वी टेक? वी हैव मेनी क्वेश्चंस, बट ओके, वन और टू. योर टाइम महाराज, यू आर सो काइंड एंड आंसरिंग ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील प्रभु. यस, थैंक यू बोलिए. हरे कृष्णा महाराज, जन्नत नाम और गुरु टू यू महाराज. माय वन क्वेश्चन दैट यू सेड राइटली इन द लेक्चर दैट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड नोज एवरीथिंग एंड दे विल बी डू बेनिफिशियल फॉर दे नोज व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर देम. बट महाराज, बट व्हाट आई थिंक इज आई नोज एवरीथिंग एंड आई डोंट वांट टू लिसन एट डिवोटीज व्हाट एवर दे सेड टू अस. सो हाउ मे आई कैन apply some faith that they will do whatever that we will be beneficial for us. Thank you Maharaj. So, इनका प्रश्न है कि महाराज बोल रहे हैं कि महाराज ने लेक्चर में बोला था कि जो भक्त है वो सब कुछ जानता है, कृष्ण भक्त सब कुछ जानता है कृष्ण की कृपा से, इसलिए वो ये भी सही जानते हैं कि किस कि क्या चीज सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं जानता हूँ वही सही है सबसे. तो ये मैं ऐसे कैसे विश्वास अपना कर पाऊँ कि जो भक्त बता रहे हैं वही सबसे अच्छा है? Well, you cannot be artificial. You have to develop your faith and trust in someone, and then you can actually have confidence in what they're telling you to do, that it's for your benefit. आप ऐसे बाहरी रूप से या नकली रूप से इसको नहीं कर सकते. आपको किसी में विश्वास जो है
करना पड़ेगा डेवलप कि हाँ वो जो बता रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है और वो सही है. So it may take some time. You have to look at others, and if you have to see how others have been dealt with, are they happy? Are they satisfied? Did the instructions they got benefit them? And this way you can see they benefited. You think that the instructions you're being given will also benefit you. आपको इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा. आपको दूसरे लोगों के उदाहरण से देखना पड़ेगा कि वो लोग जो है जो लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है निर्देश मिल रहे हैं और जो उसका पालन कर रहे हैं वो लोग कैसे खुश रह पा रहे हैं. और आप जब आप उनको देखोगे तो आपको ये विश्वास होगा कि हाँ मुझे भी जब मेरे को भी जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा मैं भी जब उसका पालन करूंगा तो मैं भी खुश रह पाऊंगा. तो इस तरह से मेरा हमारा विश्वास बढ़ेगा. Not going to do that immediately. You have to get your trust and confidence in someone that you feel, you know, this person is actually your well-wisher, that he's been close to you, you have trust in him. आपको इसमें एकदम से जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है. आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है आपका शुभचिंतक है, आपके हित की बात करता है, आपको मदद करना चाहता है भक्ति में. ऐसे व्यक्ति पे फिर आप अपना विश्वास जो है कर सकते हैं. So it takes some time. थोड़ा समय ले सकते हैं आप इसके लिए. Yeah, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Next question, Sakhi Pran Prabhu. Prabhu, you are on mute. Please unmute. Prabhu ji is still on mute. Sakhi Pran Prabhu, you have to unmute Prabhu. No, Prabhuji, you are on mute. Maybe you can text the man. Sakhi Pran ko aap mute par hai, Prabhuji. Maybe he cannot hear. Krishna. Haan, abhi aa raha hai awaaz. Sorry, Maharaj. Thank you, Maharaj, for your valuable time and association. My question is this, Maharaj, ki most of the lectures we listen, this material happiness is temporary and spiritual happiness is ultimate, but we are practicing for a long time and do not feel any happiness in spiritual activities. We are still feeling happiness in material activity. How can we improve our happiness here so that we can practice spiritual sincerely? So Prabhuji ka prashna hai ki Maharaj aapne और ये हम बहुत सारे लेक्चर में सुन बैठे हैं कि आध्यात्मिक सुख ही जो है वो बहुत ज्यादा है, भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है. ऐसे हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पे कि हमें वो सुख मिल ही नहीं पाता, हमें तो भौतिक जगत में ही सुख मिलता है. तो इस पे कैसे इसको हम करें कि हमें आध्यात्मिक सुख लगे और भौतिक सुख लगे ना. You must be holding on to all the maya. You must be holding on to all the sense gratification. You haven't given up your material activities. You're very attached to sensual activities. Maharaj बोल रहे हैं ऐसा experience तब होगा व्यक्ति को कि वो उसको भौतिक जगत की खुशी ज्यादा लग रही है जब वो इस भौतिक जगत के माया के आवरण में होगा. इंद्रिय तृप्ति को उसने अभी छोड़ा नहीं होगा और जो है माया का ही वो शरण लेना चाहता है. Often we do not even know what is real happiness. Sometimes when we're really happy actually in spiritual play, you don't know it. You're thinking, you didn't even know you were happy. But actually that is real happiness, spiritual happiness. So Maharaj keh rahe ki hame jo hai sahi khushi ki abhi pehchan bhi nahi hai acche se. Kai baar hum adhyatmik gatividhiyon mein hum logo ko wo khushi prapt bhi hota hai, lekin hame pata hi nahi ki asli khushi jo hai wahi hai. Because we are conditioned, when you have sense gratification, you think this is happiness. But actually, this is not happiness. That's the illusion of happiness. क्योंकि हम लोग जो है बद्ध हैं, इसलिए हमें जो है इंद्रिय तृप्ति से जो प्राप्त होने वाला सुख जो है वही सबसे अच्छा लगता है और हमें लगता है कि वही असली खुशी है, लेकिन वास्तविकता में असली खुशी है ही नहीं.
So we don't, you do not know what is real happiness. Therefore, you're thinking you've never had any real happiness. But actually, you've had a lot of happiness. If you've been in Krishna consciousness, you've had a lot of happiness, but you just didn't even know it was happiness. महाराज कह रहे हैं कि इसलिए आप जो है ब्रह्म में आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो जरूर बहुत सारा आपको आध्यात्मिक सुख जो है वो मिला होगा लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे उसको समझ नहीं पा रहे कि आपका वो रियल हैप्पीनेस मिला हरे कृष्णा थैंक यू महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीमती माधुरी माता जी प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक श्रीमती माधुरी माता जी हरे कृष्णा महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबिसेंसेस महाराज यूजुअली व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई फील बैड एंड आई रिग्रेट फॉर नॉट हैविंग डन 2 hours ऑफ एक्स्ट्रा राउंड्स ऑफ चैंटिंग बिकॉज मोस्टली एवरी डे आई एम फ्री फॉर अबाउट 2 hours इन द आफ्टरनून एंड आई कैन इजिली यूटिलाइज दिस टाइम फॉर एक्स्ट्रा चैंटिंग बट व्हेन आई एम चैंटिंग इन द आफ्टरनून आई स्टार्ट डे ड्रीमिंग और आई डोंट लाइक टू चैंट एंड समटाइम्स आई स्टार्ट टॉकिंग And I am not able to utilize this time. And at the most, I take out 1 hour or half an hour out of it. And seeing this, I realized, Maharaj, that I lack determination. But to develop that determination, I need to chant and read more. And here, I am not able to chant, increase my chanting and reading. So how can I develop that determination? So, Mataji ka prashna Please hai. Advise. Mataji ka prashna hai ki... मेरे पास समय होता है दोपहर को भी मेरे पास 2 ढाई घंटा होता है और वो 2 ढाई घंटा एक्स्ट्रा मेरे पास समय होता है मैं और असल में तो मुझे उस समय में जो है एक्स्ट्रा जप करना चाहिए एक्स्ट्रा माला करना चाहिए लेकिन मैं देखती हूँ कि वो होता ही नहीं है मन ही नहीं होता ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा हो जाता है और अगर करती नहीं हूँ तो मेरा दिमाग जो है कई सारे सपनों में चला जाता है और जो है ये नहीं आता है अंदर से और मुझे पता है कि इसके लिए मुझे और ज्यादा तीव्रता से भक्ति में डिटरमिन होना पड़ेगा लेकिन वो आ नहीं पाता है तुम्हारा मुझे क्या करना चाहिए Yes, you have a woman's body, you have the woman's tongue. Women's tongue, they like to talk a lot. And that takes away from the time for their chanting. कह रहे हैं कि हाँ आपका जो है स्त्री का जो शरीर है और जो माता जी हैं वो उनका जो जीभ है वो हमेशा बोलना चाहता है तो इसलिए वो बोलने से आपका काफी समय चला जाता है Maybe also because you're alone, you're weak determination, you need to be with somebody who's a good sadhana, who's very strict and who won't talk with you and who won't just gossip. You have to find the right association to make you more serious. So, ho sakta hai ye isliye bhi ho kyunki aapke paas jo hai us tarah ka sang nahi hai. आपके पास भी ऐसा संग होना चाहिए जो आपके साथ फालतू बात ना करे और वो जो है अपनी साधना में बिजी रहे तो ऐसे संग से जो है आपका साधना भी जो है वो प्रगाढ़ होगा So the more you consider the value of human life and how you're wasting the valuable time then you become when we become more serious then we'll make better use of our time जितना ज्यादा इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को हम समझ पाएंगे और ये मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है उसको समझ पाएंगे तो फिर उतना ही ज्यादा हम इस समय को जो है वैल्यू कर पाएंगे समय को वेस्ट नहीं करेंगे उसको भगवान की सेवा में यूज करेंगे सो यू हैव टू मेक सम वाउस यू हैव टू बी मोर डिटरमिन्ड विद योरसेल्फ आपको कुछ जो है प्रण लेने पड़ेंगे आपको कुछ ज्यादा थोड़ा सा तीव्र होना पड़ेगा अपनी भक्ति में nobody can do it for you you have to want to do it और ये चीज जो है आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है आपको खुद ही करना पड़ेगा So it's nobody else's fault it's all your fault you're the one wasting the time you know you have the time you know what you're supposed to do and you don't do it you're a fool तो महाराज कह रहे हैं कि इसमें किसी और का गलती नहीं है इसमें आपका ही गलती है आपको पता है कि आपके पास टाइम है मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कोई और आपका टाइम खराब नहीं कर रहा है आपको पता है और फिर भी आप जप नहीं कर रहे तो ये आप ही की मूर्खता है we're all like that we all have these problems we have to be very careful we have to monitor our time very carefully don't waste time तो
तो हम सभी ऐसे हैं, हम सबका ये प्रॉब्लम है और हम सबको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, समय को बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया जाए. Any moment we may die. We know COVID, so many diseases. Any moment we may have to leave the body. We should become very serious. तो महाराज बता रहे हैं कि किसी भी समय हमारा मृत्यु हो सकता है. अभी ये कोविड चल रहा है, किसी भी समय मृत्यु आ जाएगा, पता नहीं. इसलिए हमें सावधान, इसलिए हमें सीरियस होना पड़ेगा भक्ति के मार्ग पर. हरे कृष्णा. थैंक यू महाराज. एंड महाराज जस्ट लास्ट मे बी वन और टू. अमरजीत प्रभु क्विकली कैन आस्क क्वेश्चन. प्लीज अनम्यूट. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम. महाराज प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेंसेस टू योर लोटस फीट. महाराज मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसा कि आपने बताया कि हम लोग लाइक डॉग्स एंड फ्रॉग्स, हम लोग एक दूसरे से प्रश्न और उत्तर करते रहते हैं और वो हमारे मटेरियल दुनिया के लिए है और वो हमारी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकता है. तो क्या हमें एक भक्त को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए या कम पूछना चाहिए, या उस समय यदि होता है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इवन इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे मन में चलता है प्रश्न, तो क्या हमें यहाँ पर कृष्ण पर विश्वास करके छोड़ देना चाहिए? ऐसा है ज़्यादा मतलब उसको रिजेक्ट नहीं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे आत्मा को दूष नहीं करने वाला, ज़्यादा वैल्यू नहीं देना. महाराज प्रभु जी इज आस्किंग, you told Maharaj in the lecture that so the most materialistic people are like frogs and dogs, and we are asking so many questions all day to each other, and because I am a student, even when I go to my educational institution, I ask lot of things, I have to do lot of talking, chit chat. So, and I know now that it is not going to satisfy me really, so should I just have faith in Krishna and minimize my talking? Well, we should talk what is necessary, not just only just for, we shouldn't talk just to fill up the time, but it should be relevant, it should be important, otherwise it's no point to say it. तो महाराज कह रहे कि हमें वो बोलना, वो बात करनी चाहिए जो कि जरूरी हो, जो हमारे से संबंधित हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, वो सब चीजें हमें बोलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलें. We don't want to waste people's time. If we ask, you ask something which is not relevant, which is not important, it's just wasting time. So no point to say it. अगर आप ऐसी चीजों लोगों से बातचीत कर रहे हो जिसका हमारे से कुछ ज्यादा संबंध नहीं है, ज्यादा हमारे जीवन में जिसका महत्व नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरों का भी. But at the same time, you need to know something, and something relevant to what you're doing, the work, you want to understand it, you may have to ask the question, yes. और इसी के साथ आप पढ़ाई से संबंधित या आपके कार्य से संबंधित आपको कई सारे प्रश्न पूछने पड़ सकते हैं, तो वो सही है, वो आप पूछ सकते हैं. We have to know what is important and what is not. It's not only, you know, you're doing a job, you have to know about the job, you have to know how to do it, you have to know everything. You may have to ask questions. We don't say don't ask questions. We know everybody has to ask questions. Everybody's asking questions. The dogs and the frogs also have their questions. But our questions are on a higher level, that's all. तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रश्न पूछना मना है. अब आप अगर मान लीजिए नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको बहुत सारे प्रश्न पूछने पड़ते हैं, आपको पता होना पड़ता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सारा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो इस तरह से हमारे लिए कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमें समझ आने चाहिए. कुत्ते और जो मेंढक है वो भी क्वेश्चन पूछ एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जो हमारे प्रश्न है वो उच्च स्तर के हैं, हमारे जो प्रश्न हैं जीवन से संबंधित हैं. Material life questions are all about eating and sleeping and mating and defending. इस भौतिक जगत में जो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आहार, निद्रा, भय, मैथुन से संबंधित हैं. So
we're not ready to give up all of these things yet. We do need to eat and sleep. We do have to sometimes mate and defend. So you're not ready to stop all these things. Sometimes you do ask questions about, you have to ask questions. But the ultimate questions are about Krishna. इसलिए हमारे हमें कई बार उससे संबंधित क्वेश्चन प्रश्न जो है पूछने पड़ेंगे तो अभी हम उससे पूरी तरह से ऊपर नहीं उठ पाए तो इस तरह से हमें जितना जरूरत हो उतना हम प्रश्न पूछें. So when you're finished with eating and sleeping, mating and defending, then you can ask. You just need to ask about Krishna. जब आप आहार निद्रा भय मैथुन के प्रश्न खत्म हो जाएं आपके तो फिर आप जो है तब कम से कम तब आप कृष्ण के बारे में पूछिए. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you. I don't know. There is some devotee, Dr. Ketan Prabhu. I don't know if you can you unmute and ask. Your hand. My question is, what is the real meaning of happiness and how to get it? इनका प्रश्न है कि खुशी का जो है असली मतलब क्या है और कैसे प्राप्त किया जाए. Yes. What is the real meaning of happiness? Now, real happiness is to develop our spiritual identity, understanding ourselves as a spiritual being and our relationship with the Supreme Spirit, Lord Krishna. That is the real happiness. So, asli sukh ka matlab hai ki hame apne jo adhyatmik astitva ko samajhna और जो है परम भगवान कृष्ण से जो अपना संबंध स्थापित करना वो है असली सुख की पहचान. एंड यू गेट दिस हैप्पीनेस बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा व्हिच इज टॉट इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी पर्टिकुलरली थ्रू द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र एंड देन रीडिंग बुक्स लाइक श्रीमद् भागवतम एंड भागवत गीता. और ये जो असली खुशी है ये जो है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सिखाई जाती है और ये खुशी आप प्राप्त कर सकते हैं जप के माध्यम से हरि नाम के जप के माध्यम से और जो है दिव्य ग्रंथों के अध्ययन से. We should understand it's not wrong to want to be happy. Happiness is a real nature. It's the nature of the soul to be happy. तो हमें ये समझना होगा कि खुश बात नहीं है ये खुशी होना जो है वो हमारी जो है वास्तविक पोजीशन ही है कि हम खुश रहना चाहते हैं और उसके बारे में हमें जानना चाहिए. But because we identify with the material body, therefore we experience unhappiness. लेकिन क्योंकि हम इस अपने आप को इस शरीर से ही संबंधित हमेशा समझते हैं तो इसलिए हम वो असली खुशी नहीं प्राप्त कर पाते केवल शारीरिक सुख की कामना करते हैं. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Even though there are many questions, we also know that you have been speaking for almost like more than 2.5 hours. So we really want to thank you, Maharaj. Maharaj ka hum bahut bahut dhanyawad dena chahte hain. Maharaj is so kind and so loving. Or because Maharaj is so powerfully situated in Krishna.